मुख्यातिथि के तौर पर पूर्व वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम कर चुके डीआरडीओ के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। पावर लोगों के हृदय में होती है, उनके मन में होती है, उनके विचार में होता है। विचार में जो पावर है वो और किसी दूसरी चीज में नहीं है। वहीं हमारी आपकी पाठशाला के संस्थापक, संयोजक, विचारक, लेखक, चिंतक एवं समाज सुधारक डॉक्टर विक्रम चौरसिया ने कहा कि आज बहुत जरूरी है सोसाइटी में, और अवेयरनेस लाने के लिए इस तरीके से जो प्रोग्राम कराया गया, इस तरीके से वैश्वीकरण ने आज अपने आप में घेर लिया। एक 6 इंच का ये फोन है, इस फोन में सारा कुछ है। फांसी जैसा प्रावधान हो और फांसी करता है, ब्रेन वॉश करके बुलाया जाता है, कुछ ना होगा, तजुर्बा होगा, तजुर्बा नहीं तुम मौत देते हो। था लेकिन इतना यूज नहीं करता था सोशल सीरीज से, मैं कनेक्ट नहीं था, वो डाउन से बचपन से स्ट्रगल रहा था, और सिर्फ अपने लिए नहीं करता था उसमें, वो सांप वो जर सब कुछ होता था कोविड दिन तक। और अभी कुछ समय पहले ही तो मतलब कोने में सुसाइड, हाँ कोटा यूथ जो है ना सुसाइड तक हार्डली दे लो, उसके बाद बी प्लान तो इस टॉपर आ रहा है ना, ए आ रहे हैं इनको देखने के लिए हम लोग जा। एक खिलवाड़ नहीं है, मर्डर किया जा रहा है सर, मैं मर्डर बोलूंगा। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है, कोचिंग वाले ए माफिया कैसे कैसे एग्जाम दे रहे, किस तरीके से गया था, किससे पैसे मांग कर गया था। कि मैं पहले बचपन से एनजीओ ट्रस्ट के साथ जुड़ के काम करता था, अलग अलग जगह कई जगह काम किया, बचपन से काम कर रहा हूँ, तो स्लम्स में, ऑर्फिनेज में, ओल्ड एज में, आईएएस बन गए तो कुछ समाज के लिए तो बहुत बड़ा करोगे समाज के लिए, और तुम अपने पोटेंशियल से बहुत बड़े लेवल पर करोगे। मैंने अपने फील्ड में ही ऐसा देखा है, मैंने ये चीजें फेस की है, जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे भी ऐसा। जिस पीजी में मैं रहता था वहाँ एक आंटी आती थी सफाई करने, झाड़ू पोछा, ऐसी मुंशीराम कॉलोनी की वो रहने वाली थी, और बड़ा उनका शौक था कि मेरा बच्चा पढ़ लेकर कुछ कर जाए, हमारे जैसा ही काम धंधा न करे। लेकिन जब मैं कोचिंग में ले गया, कोचिंग वाले ने यूं हाथ जोड़ते हुए बोला कि विक्रम साहब मैं इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता क्योंकि झुग्गी झोपड़ी के हैं, और ये एक बच्चे अगर मैं यहाँ पढ़ने आएगा तो हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो फिर आना बंद कर देंगे। कोई युवा यही सोचता है, और जब भी मैं युवा से मिलता हूँ, यार विक्रम भैया एक नंबर से हम रह गए हैं, तो लेकिन वो एक नंबर से रह नहीं है, उनके अंदर कमी नहीं है, कमी सिस्टम में ही है। और फर्जी हैंडीकैप्ड बनवाकर कोई, तो कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर, कोई ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहा है, ऑलरेडी यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ, ईडब्ल्यूएस में कैसे आएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस में कैसे आएगा। ऐसे ही वह फ्रस्ट्रेट होकर कई बार सुसाइड करता है, कई लोग कर रहे हैं, कई लोग फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ाई छोड़, कई लोग मेरे साथ के जो इंटरव्यू दिए थे यूपीएससी का, वो लोग बोल रहे हैं कि अब विक्रम मुझे एग्जाम नहीं देना है, विक्रम हम इंस्टीट्यूट को छोड़ते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कई लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कई बार मेरी बैक टू बैक चर्चाएं हो रही है, मेरे रूम में पिछली बार एक रुके थे, बैक टू बैक दो इंटरव्यू दिए वो, और वो बोले कि अब पढ़ाई नहीं करना है, इतने वो डिप्रेस्ड हो गए हैं कि अभी वो विपासना करने के लिए गए हुए हैं। तो उस समय हमने कुछ अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट किया, और आज हमारे साथ कुछ तीसरी कोर्ट का एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट से लेकर कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कुछ सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ मुखर्जी नगर रहकर, वो कुछ फ्रेंड सर्कल्स हैं। फिर भी बच्चे में काफी कुछ ना कुछ बदलाव देखने में मिला है सर जी, पहल से बढ़िया पढ़ के जाए, बस हम लोग यही मतलब चाहते हैं, सर जी भी अच्छे हैं। दे विल वेट फॉर प्रोटेस्ट टू कूल डाउन एंड Engage you in legal hurdle. This is really beautiful. और बोले life should be great rather than long. Good यार, ठीक है, अच्छी बात है, बट हमने जो कहा है कि हंगर स्ट्राइक पर देश के युवाओं के लिए, हर एक समस्याओं के लिए, खासकर युवा से रिलेटेड जो एग्जाम्स के पेपर्स लीक्स हो जाते हैं। Hey guys, welcome to Papa Sorry. What? Papa Sorry? Yes, Papa Sorry. It stands for alternative and tagline is dare to say no to one more attempt. So guys, today we have with us very special guest guys, whose name is Dr. Vikram Chaurasia. So, Vikram bro, welcome on Papa Sorry. Thank you so much. तो brother, आप मुझसे पूछिए कि मैं आपको कैसे जानता हूँ। हाँ, मैं जानना चाहूँगा कि सर आप कैसे जानते हो मुझे।
तो ब्रदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था यूपीएससी एस्पिरेंट का ORN में, 27 जुलाई को जो 3 यूपीएससी एस्पिरेंट का डेथ हुआ, और फिर यूपीएससी एस्पिरेंट मिलके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट दी कोचिंग और MCT गवर्नमेंट, तो उस इंसिडेंट में आपके प्रोटेस्ट साइड पर जो मैंने रोल देखा ना, वो मेरे को काफ़ी इंस्पायर की, और आपका फियरलेस जो स्पिरिट आपने दिखाया वीडियोस में और मैसेज लार्ज लेवल तक पहुंचाया ऑडियंस के बीच में, वो मुझे काफ़ी इंस्पायर की। तो मैं सोचा कि आपका एक बार पॉडकास्ट कर लेता हूँ पापा सॉरी पे, क्योंकि पापा सॉरी इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव कैरियर। जो भी एस्पिरेंट फेल हो जाते हैं अपने जर्नी में, तो उनके लिए अल्टरनेटिव कैरियर क्या हो सकता है, उसी के बारे में पॉडकास्ट करता हूँ। तो ब्रदर आप हमारे पॉडकास्ट पर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पापा सॉरी। आपका भी दिल की गहराइयों से बार जो आप मुझे आमंत्रित किए, क्योंकि पिछली कई दिनों से हम लोग मिलना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम के कारण हम लोग मिल नहीं पा रहे थे, आज प्लान बन ही गया था। मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका होम टाउन जानना चाहूँगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं बिहार के एक छोटे से गाँव से आता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ वो भी एजुकेशनली सोशली पॉलिटिकली बहुत बैकवर्ड है, और मेरा गांव तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, कोई आज तक IAS वहाँ से नहीं निकला, ऐसे गांव से ना IAS मैं भी नहीं जानता था सुनता था। मैं बैंक में आया जॉब करने के लिए पटना से, जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया तो जॉब मेरा हो गया, आज का प्रयागराज उस वक्त इलाहाबाद हुआ करता था, या तो वहाँ मैंने 3 महीने जॉब किया। मुझे लगा कि यार मतलब बगल में क्लासेज चलती थी IAS की, अब तो दिखता था बच्चे बैग लेकर पीछे लिखता था ये क्लास ए IAS क्लास, तो मुझे IAS पता किया मैंने यूट्यूब उस वक्त थोड़ा उतना तो नहीं था क्रेज, उस वक्त भी 2016-17 की बात है था, लेकिन उतना यूज नहीं करता था सोशल सी से, मैं कनेक्ट नहीं था। अच्छा। बट पता किया तो उसमें कुछ टीचर मुझे मिले, बोले कि हाँ क्यों नहीं यार बैंक में क्या है, मुझे भी लगता था 9:32 जाना और 5:32 रिपोर्टिंग करके आना, मुझे लगा ना कलेक्टर बनूंगा, चीज़ें एक सोच आया वो चीज़ें कि हाँ ये होता है। जॉब छोड़ा, लीव लिया था उस वक्त, बाद में छूट ही गया। ओके ओके, तो मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि आपने स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई थी, वहीं से हुई आपकी स्कूलिंग? हाँ, 10th 12th कहाँ से? गाँव से हुआ था, बिल्कुल गाँव से। हाँ बिल्कुल, जहाँ बोड़िया बिछाकर, बोड़िया जानते हैं? यस यस, बोड़िया बिछाते थे और बोड़ा कहीं बैग भी दादी ने बना रखा था, नानी ने। कुछ समय नानी गाँव रहा था, फिर दादी के घर आया, मतलब अपने घर आया। अच्छा, तो वैसे रहा, और सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें थी, अपने घर में आटे के मिल थी उसमें भी काम करता था, पढ़ता था, खेती बाड़ी भी। फिर उसके बाद एक ऐसा समय आया जब कहीं होटल में भी काम करना पड़ा, तो फिर भाग गया, फिर कानपुर में कुछ समय रहा, पढ़ाई वहाँ भी नहीं हुआ, फिर घर आया, तो ऐसे बहुत अप डाउन से बचपन से स्ट्रगल रहा था। और सिर्फ अपने लिए नहीं रहा, लोगों के लिए, जब मैं कानपुर गया बीच में तो मैं स्लम्स के बच्चों के लिए भी पढ़ाया, फिर 10th करने के बाद पटना गया तो कंटिन्यू मैं जुड़ा रहा ऑर्फनेज ओल्ड एज के साथ। तो ब्रदर आप 10th के बाद आप पटना शिफ्ट हो गए? हाँ, 10th के बाद पटना हुआ। तो 10th पटना में गए, तो पटना कितने साल रहे आप? भाई साहब वहाँ मैं 5 ईयर्स रहा हूँ, और आपको बता दूँ 10th के बाद 12th ग्रेजुएशन वहीं से किया हूँ, पटना से। और उस दौर में मैं 100 रुपये पर पढ़ाने जाता था, एक होम ट्यूशन मिला था मुझे, छोटी सी लड़की थी LKG UKG की, और इतना पानी लग जाता था बारिश होती थी तो उस रोड में चंदमारी रोड गली में। अच्छा। आज भी होता है कंकड़बाग में वहाँ, ठीक ना। और कई बार जब हम रूम सस्ता समझ के ले लेते थे और रात में सोते थे ना, तो रात में बारिश होती थी, नाला वाला का पानी उसमें बेड के ऊपर पूरा जाता था, उसमें सांप गोजर सब कुछ होता था। वो भी दिन देखो, जो लोग बोल रहे हैं ना, कई लोग मुझे मिलते हैं, तुमको इतनी बड़े बड़े एजुकेशन माफिया सरकार, इतने IAS ऑफिसर के खिलाफ बोलते हो, डर नहीं लगता मरने से? हाँ, हम हाँ। कहें कि वो महादेव बचा लिए हैं पहले ही, तब क्या मारेगा कोई, और मार भी देगा तो कोई बात नहीं, लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मतलब ठोकरे खा के ही आगे यहाँ तक आए, तो आगे भी मतलब डर नहीं है ठोकर? अब डर नहीं है, डर खत्म हो गई है, प्रकृति ने खत्म कर दी, लोगों ने खत्म कर। विक्रम भाई मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपका पटना का जर्नी कब खत्म हुआ था? पटना 2015 में मेरा जैसे कैंपस प्लेसमेंट हुआ बैंक में, मैंने आपको जैसा कि बताया, ठीक ना, तो पटना की जर्नी खत्म हुआ, प्रयागराज में आया, वहाँ UPSC के बारे में पता चला। पटना से आप प्रयागराज शिफ्ट हुए 3 मंथ के लिए, ओनली 3 मंथ? 3 मंथ। अच्छा अच्छा, उसके बाद दिल्ली आया। तो आप दिल्ली कौन से ईयर में आए थे? वही 2015 के मिड में, 2016 अक्टूबर के आसपास में, सितंबर अक्टूबर में, और तब से आप दिल्ली में हो रहा है। तो ब्रदर आप ग्रेजुएशन
आप किस सब्जेक्ट में गए थे? मेरा बीकॉम था। बीकॉम पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना का फेमस था कोर्स के लिए। ओके ओके। एंड पटना के बाद आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया? मास्टर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इन व्हिच सब्जेक्ट? मेरे डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी से है, तो हिस्ट्री भी मेरा है, इसके अलावा बुद्धिस्ट भी है, इसके अलावा हम संस्कृत से भी रिसर्च कर सकते हैं, फिलोसफी से भी कर सकते हैं, कई सारे स्कोप्स खुले हुए हैं। तो मास्टर्स करने के बाद आपने क्या किया? इसके बाद कुछ सर्टिफिकेट कोर्स मैंने किया है, बट फोकस मेरा यूपीएससी ही है, पहले भी था, आज भी था, रियलिटी ये है। मास्टर के बाद पीएचडी भी किया आपने? नहीं, पीएचडी मैंने नहीं किया है। अच्छा। मैं आपको, आपके व्यूअर को बता दूं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये पीएचडी है। मैं ऑनरी डॉक्टर हूँ, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट ऑल्सो यूनिवर्सिटीज, कई जगह से मुझे मिला है। बिकॉज मैं स्कूल टाइम से बताया मैंने कि ऑर्फनेज, ओल्ड एज के लिए काम किया, यूनिसेफ के साथ काम किया, जो फॉर्मर डिप्टी सी एम बिहार के थे सुशील कुमार मोदी, उनकी सिस्टर चलाया करती थी सरस्वती अपार्टमेंट में, उनके संस्थाओं के साथ भी हमने काम किया। दिल्ली में भी आया तो अपने आप को रोक नहीं पाया, कई सारे साथी मेरे साथ जुड़े हैं, स्लम्स के लिए काम किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, यूनिसेफ के साथ जुड़ा, अभी पोडुचेरी सीएम एन रंगन स्वामी लोगों ने वहाँ पर हुआ था प्रोग्राम्स, वहाँ भी मुझे इन्वाइट करके सम्मानित किए थे और ऑनरी डॉक्टरेट दिए थे। तो कई जगह से मुझे ये डॉक्टरेट ऑनरी है। पीएचडी के लिए ऑनेस्टली मैंने कई बार ट्राई किया और बहुत सारे देख, पीएचडी इनरोलमेंट में बड़े लेवल का स्कैम्स है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, बड़े लेवल का स्कैम है, हर स्टेप पर है। और वहाँ जमीर बेच देते हो तब ठीक है, जमीर नहीं बेचो मेरे जैसा सच्चे इंसान का तो बहुत बहुत टफ है। कोई बैकग्राउंड ऐसा है नहीं कि दादा पापा सब अंगूठे छाप हैं, कोई बैकग्राउंड एजुकेशनल नहीं चीज़ें, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी से लास्ट टाइम भी मेरा हुआ था, एंट्रेंस भी क्वालिफाई किया था, सब कुछ किया था। मेरे डिपार्टमेंट के हेड भी बोले कि मैं दूंगा एडमिशन दूंगा, बाद में बोले कि भी रुक जाओ रुक जाओ, बहुत सारे सीन चलती है, सबको पता है, आपके व्यूअर को पता है, जो लोग देख रहे हैं उनको पता है कि क्या सीन है। बट हाँ, अब प्लानिंग है, देखते हैं, फॉरेन वॉरेन से करने की प्लानिंग चल रही है, बाकी देखते हैं। हाँ, क्योंकि इंडिया में टैलेंट को लोग दो चीज़ों से हाँकते हैं, या तो बहुत सुंदर चेहरा वाला हो, और या तो ए हो, मनी हो, या तो आपका उस लेवल का नेक्सस हो बड़े बड़े लोगों के साथ। दोनों कहना क्या चाह रहा हूँ सब समझ रहे। विक्रम ब्रो, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में आईएएस का सपना कब आया, कि मतलब आपने पहली बार कब सोचा था आईएएस बनना है मुझे? वही प्रयागराज के इधर थे, इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है उस वक्त इलाहाबाद। ग्रेजुएशन के बाद सोचा था? जॉब में जब आया, जॉब में आया तब सोचा, तब पता चला मेरे को कि आईएएस होता है, पता ही नहीं था ग्रेजुएशन के बाद। हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं, अब सोच आपको बड़ा लगेगा कि इसको पता नहीं था क्या डीएम होता है चीज़ें तो बड़ा लोगों देखने वाले को उनको ये लगेगा, बट ऑनेस्टली मेरे साथ सीन ही ऐसा कुछ था कि मैं इतना लाइफ में व्यस्त रहा, प्रकृति ने ऐसा कुछ कराती रही मेरे साथ कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं पढ़ाता था। और पता है आपको, अभी भी वहाँ जाएंगे, सर्वे कराएंगे, आपकी टीम जाए, लोग जाए, वहाँ देखे जहाँ हम रहते थे, किस कंडीशन में रहने के बाद भी हमारे रूम में जगह नहीं होता था, बाहर बच्चे बैठ के पढ़ते थे और मैं पढ़ाता था। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि आज भी मैं आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि अभी उस कॉलेज का वो प्रिंसिपल बने हुए हैं, जेपी सर। और वो जेपी सर उस वक्त प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे, प्रोफेसर थे, वो खुद बोलते थे विक्रम तुम मेरा क्लास ले लो। और वो अभी मतलब अपने घर रहा करते थे तब फोन करते थे, विक्रम आज मेरा क्लास मेरा पढ़ा देना ना तुम बच्चों को। और जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था तो 11th 12th वालों को पढ़ा रहा था, और जब मैं कॉलेज में बीकॉम में आया तो बीकॉम में आने के बाद मैंने एमकॉम एमबीए वालों को भी वहाँ अपने ही कॉलेज में पढ़ाया, जबकि कई बार लोगों ने विरोध भी किया कि भाई ये लड़का ना पीएचडी है ना ही इसने नीट जेआर क्वालिफाई किया, कैसे पढ़ा रहा है। कई बार टीचर ही नहीं, कई टीचर मेरे को खुद बिजनेस स्टडीज़ का भी मैं पढ़ाया करता था, अकाउंट्स भी पढ़ाया करता था कि पढ़ा दो, तब वो सारे बच्चे मेरे रूम पर आते थे पढ़ने के लिए, जो दिल से मुझे देते थे, मैं कभी पैसे नहीं मांगने का, जो देते थे और इतना देते थे कि मैं अपने अच्छे से तो रह लेता था, मिला जुला कर घर पर भी मैं दे लेता था, सब छोटे छोटे भाई उनको भी पढ़ाता था, वो भी जर्नी देखा। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी आपकी देखा जाए दोस्तों, क्योंकि इतना मैच्योर माइंड तो काफ़ी अर्ली मैच्योर हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। वो संघर्ष वो था ना प्रकृति, वो प्रकृति सब खेल खिलाती है, वो बना देती है, संघर्ष के पाले में जो पलता है ना वो खिला देती है। ओके, कुछ ऐसा ही हुआ। तो विक्रम ब्रो, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा, 27 जुलाई को ORN में जो डेथ हुआ UPSC एस्पिरेंट का, तो ब्रदर मैं यहाँ पर दिल्ली में नहीं था उस टाइम, तो आप मुझे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ और मतलब क्या स्टेटस है उस
प्रोटेस्ट का कुछ मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आया कि नहीं, कि मतलब डायरेक्शनलेस प्रोटेस्ट तो नहीं रहा गया वो, मतलब क्या हुआ, मतलब डिमांड्स फुलफिल हुए क्या उस प्रोटेस्ट के? देखिए पहली बात तो मैं इसको डेथ नहीं मानता, शुरू दिन से बोल रहा हूँ इट्स अ मर्डर, इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सब कुछ, हर कुछ जो भी एंगल से आप जोड़े सब तरीके से मैं बोलता हूँ ये मर्डर है। ये कोई नेचुरल डेथ तो नहीं है ना सर, नेचुरल डेथ नहीं है। उनके माँ बाप भेजे थे पढ़ने के लिए, वो कलेक्टर बनने के लिए आए थे, सिंपल सी बात है। वो कलेक्टर नहीं बल्कि वो मारे गए, और ये क्यों मारे गए? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो चीज़ें आप इतनी मोटी फी रकम लेते हो, इतनी रेवेन्यू आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और आप देश की राजधानी में एक वो फैसिलिटी नहीं दे सकते हो कि बच्चे सुरक्षित अपने घर चले जाएं आफ्टर क्लासेज, तो ये सबसे बड़ा सवाल है सभी से, सभी से सिस्टम के सारे तंत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट से पार्टिकुलर कि लाइक स्टेट गवर्नमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, नहीं। आपके पास बच्चे भेजे गए थे, आपने जितना फी मांगा दे दिया बच्चे ने, स्टूडेंट ने ड्यूटी पूरा किया अपना, ड्यूटीज बातें होती ना आर्टिकल 51 की ड्यूटीज की, ड्यूटीज स्टूडेंट ने पूरा फॉलो किया। बट आप क्लास में बैठा कर भेड़ बकरों जैसा पता नहीं कैसे बैठा कर बेसमेंट में बैठाते हो, आपने जितना फीस मांगा उसने दिया, लेकिन आपने क्या सुरक्षा के नाम पर दिया, मौत दिया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे इंसिडेंट हुआ तो इंसिडेंट 27 जुलाई के बाद दो तीन दिन का जो प्रोटेस्ट साइट में क्या हुआ थोड़ा सा बता सकते हैं, मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली? एग्जैक्टली देखिए क्या है कि इंडिया है और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट के लोग होते हैं, कुछ लोगों को अपनी पोलिटिकली जिसको बोलते हैं राजनीतिक रोटियाँ सेकनी होती हैं, हाँ, कुछ लोगों को अपनी चेहरे चमकाना होता है, कुछ लोगों का सच में उद्दर्द होता है, संवेदनाएं होती हैं, तो हर तरीके के यहाँ लोग थे। कुछ लोगों को राजनीति करना था, आए किए निकल गए, कुछ लोगों के साथ उद्दर्द उभाव ये था कि काश उसमें हमारा भी बहन हो सकती थी, हमारा भी भाई हो सकता था, या हम खुद, मैं अपने आप को इस तरीके से कनेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कई बार मैं करोलबाग जाता हूँ या मुखर्जी कहीं, जब मैं थकी रहता हूँ गर्मी रहता है, कई बार मैं किसी लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता हूँ, किसी क्लासरूम में जाकर बैठ जाता हूँ, पता नहीं ऊपर वाला की कृपा था मैं उस दिन जाकर नहीं बैठा, जबकि मेरा मन कर रहा था कि जाऊँ घूमने लाइब्रेरी, हाँ मैं हो सकता बैठ सकता था, कोई भी हो सकता, तो मैं तो अपने आप को कनेक्ट कर रहा था और मैं समझ रहा था कि मेरी मौत तो उसी दिन हो गई है। बाकी ये जो मतलब बड़े अलग अलग तरीके से धमकियाँ चीज़ें वो लोग जो टारगेट करते हैं कि मतलब समझ ही रहे हैं ये बड़े लोग हैं, इनके खिलाफ बड़े बड़े जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मानते थे और बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े केसेज लिया, उसमें उन लोगों ने हाथ डाला लेकिन इसमें किसी ने नहीं डाला। तो मैंने अकेले इसको शुरुआत से ही आवाज़ उठाया और बेसमेंट में कोचिंगों में घुस घुस के आवाज़ उठाया, आपने देखा होगा ना TV9 भारतवर्ष का भी वीडियो, ये सब का वीडियो देखा, हाँ, क्योंकि वो चीज़ों को मैं खुद से कनेक्ट कर रहा था और वो जो भाई बहन मारे गए वो मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे भाई बहन है और वो दर्द वो चीज़ पूरे देश ने देखा, वो समझा है या ये तो है। और मेरे अगर मैं सत्यता में नैतिकता में जरा भी किसी को जरा भी इतना सा भी किसी को शक होगा तो उसको मैं बता दूं एक चीज़ वो माइंड में अपने क्लियर रख ले, yes, कि मैं अपने रुमाल को कफन लेकर घूमता हूँ क्योंकि मैं इस देश के युवाओं के लिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, yes, और उस युवा को बचाने के लिए मैंने कफन लेकर घूमना शुरू कर दिया है। मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगा, फर्क नहीं पड़ता, मेरे शरीर को तुम खत्म कर सकते हो लेकिन मेरे विचारों का जो मैंने मिशन लिया है उसको नहीं खत्म कर सकते। मैं सच्चाई के लिए आया था, मैं मकसद यही के लिए कराया था कि मुझे IAS बनना है, दिन रात मैंने एक किया, बैक टू बैक मैं देती रहा, मेरे साथ के काफ़ी लोग सेलेक्टेड हैं, अभी राजेश मीणा भाई साहब हैं उनके IPS है, IAS के देने के लिए आए थे, इंटर्नशिप में बैठते थे साथ में, उनके शादी में गया था, कम से कम 50+ IPS, 30 IRS, 15-16 आई है, सभी लोग आए थे, सभी लोगों से हम लोगों ने मिला था उस वक्त पीछे। ये बातें बैकग्राउंड बता कर कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं इन लोगों के साथ बैठा करता था, साथ में हम लोग थे, हमने देखा है। और क्या उनके अंदर पेपर 4 पढ़ाया जाता है, वो कैंपेन्स एथिकल्स नैतिकता क्या चीज़ें होती है, बहुत करीब से ऑब्जर्व किया हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मतलब आया अचानक से और
स्टूडियो में बैठा बातें करने लगा। स्टूडियो में तो मैं बहुत कम बैठता हूँ। हाँ। मैं कभी मैं रोड पर ही आवाज उठाता हूँ। अवेयर थे आप, आपका जो सॉल है वो जो इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद का जो आपका जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फील किया और आप प्रोटेस्ट साइड पे आए और आपने सपोर्ट किया इस प्रोटेस्ट साइड को और इसके वजह से काफी पॉजिटिव थिंग्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा और कोचिंग द्वारा भी लोग लिया है। आप देखिए पटना में तो घटना नहीं घटी थी। हाँ। लेकिन पटना में भी 200 प्लस कोचिंग सील्स हुई थी अभी इस इंसिडेंट के बाद। अच्छा। इस इंसिडेंट के बाद सीबीआई इंक्वायरी वगैरह जब दिया गया पहली बार तो सिर्फ इसी इंसिडेंट को नहीं दिया गया, भंडारी बिल्डिंग में जो आग लगी थी पिछली बार उसका भी दिया गया है। आपने देखा कितना भयावह स्थिति थी, 5 मंजिला से लोग कूद के अपनी जान बचा रहे थे एक दूसरे पर कूद के, एक लड़की तो गिरी हुई इस सर फटकर अलग हो गया था, वो सारा वीडियो है आप देखिएगा। आप सोच सकते हैं कि 5 मंजिला से कोई क्यों कूद रहा है, क्योंकि अंदर देख रहा है कि हमारे भाई बहन घुट कर कोई जल कर मारा जा रहा है, तब कोई मजबूर है, कोई फिल्मों को एक्टर नहीं है कि वो फिल्मों दिखाई जा रही है और चीज़ें, क्योंकि वो रियल और रियल लाइफ में बड़ा डिफरेंस होता है। वो सामने हम लोग वहीं पर चाय पी रहे थे, हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे, वो भी मेंस लिखने के लिए आए थे और हम दोनों चाय पी रहे थे और ये घटना उसी वक्त घटी थी। कुछ समय के बाद ही एन ब्लॉक में गर्ल्स पीजी में आग लगती है। अच्छा। कुछ ऐसा ही भयावह वो भी होता है, इसको भी सीबीआई को दिए गए हैं। अच्छा, आपको पता होगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है और मतलब खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने आवाज़ उठाया। हाँ। और न्याय के लिए एक स्टेप बढ़ा। कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आज सीबीआई को सौंपा गया है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है सब कुछ काम, तो ये कहीं ना कहीं हम यूथ्स का जीत है, सारे युवाओं का। बिल्कुल। और अब सुप्रीम कोर्ट के मामला चला गया हर जगह और कहीं ना कहीं प्रशासन के सारे तंत्र अब एक्टिव हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया ना कि सुओमोटो जजमेंट दिया था कि इट्स ओवर एंड बिकम डेथ चैम्बर। अब सोच सकते हैं कि जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं उनको बंद करने के लिए हर तरीके से गवर्नमेंट एक्शन में आ गई है चीजें, तो ठीक है। मतलब पिछली बार भी मैं ये बात बोला था, उस वक्त भी काफी मैंने आवाज उठाया था, काफी डंडे खाया था, पिटाई हुई थी वहाँ, और वहाँ भी हम लोग भी बैठे थे अगर स्ट्राइक वगैरह पे। लेकिन क्या होता है ना कि आज जो यूथ्स है ना, और यूथ्स को प्रोपेगेंडा में फैला दिया जाता है। प्रोटेस्ट हुआ और हम लोग को काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले और काफी स्टार्टिंग में मैंने देखा कि यूपीएससी जो डेथ को इग्नोर किया जा रहा था भी आगे नहीं आ रहा था, जिसे जो स्टेक होल्डर्स थे एमसीडी वाले और जो कोचिंग्स के जो ऑनर्स हैं दे आर नॉट सपोर्टिंग द प्रोटेस्ट। आफ्टर 2-3 डेज के बाद मीडिया हाईलाइट के बाद जब प्रोटेस्ट जब हाईलाइट हुआ तब वो लोग आए सपोर्ट नहीं, राइट? तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग वाले क्यों सपोर्ट नहीं किए शुरू में इस प्रोटेस्ट को? देखिए हमें क्या लगा था कि मैं कुछ कोचिंग्स वाले के सीईओ को फाउंडर को मैं पब्लिकली बोल रहा था कि मेरे से डिबेट कराओ, और मतलब इतना एग्रेसिव गुस्सा था मैं कि मैं गुस्सा में बोलता गया उन लोगों को लगातार हर चैनल पर हर जगह कि मेरे को क्या था, उनसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, खेत की बटवैया नहीं थी या कुछ वैसा तो नहीं था ना ही उनसे। मेरे को गुस्सा इस बात का रहा कि आपका चेहरा देखकर बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप भेजते हैं और आप यहाँ पर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग रहे हो, कुछ नहीं कर सकते थे तो आपके पास इतने बड़ा चैनल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, आप अपने स्टूडियो से या कुछ नहीं तो एक मैसेज ट्वीट करा देते हैं, एक मैसेज खुद डाल देते हैं कि हम सभी बच्चों के साथ हैं जो मारे गए हैं, बहुत दुखद। 4 दिनों तक एक भी ये लोग नहीं आए, एक लोग भी नहीं है जो अपने आप को बड़े बड़े टीचर बनते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, चाहे विकास दिलकृति हो, चाहे खान हो, ओजा, कोई भी हो, और भी टीचर्स हैं, सभी की बात कर रहा हूं मैं, ये एक लोग भी नहीं आए कि बोलने कि हम बच्चों के साथ हैं। 4 दिनों के बाद आए जब लगी मतलब हर तरीके से इनको प्रेशर दिया गया, लोगों का वीडियो हम लोगों का मैसेज जाने लगा, लगता भाई 4 दिनों तक आप तो थोड़ी भी कैंपेंसेस नहीं है, आप कैंपेंसेस पढ़ाते हो, थोड़ा एथिकल से वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा एक मैसेज डलाने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? हम पूछ रहे हैं कि एक मैसेज डलाने में 4 दिन के बाद मैसेज आता है लोगों का, मतलब हवा देख के मैसेज, बहुत सोच समझ के लोग ने सब नहीं, उसी वक्त एक मैसेज दे देते हैं, आ जाते थे, हम क्या हम लोग मर्डरर हैं? हम लोग कुछ लोगों तो बोलते हैं कट्टा लेकर हम चलते थे, ओझा बाबा बोलते हैं ना कि हम अपने कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में, हम लोग तो कट्टा उठाने लगे, हम लोग सिंपल आदमी, हम लोग तो छोटे से गाँव से, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जो आप आ गए होते तो आप हमारे लिए हीरो हो गए होते, कोई जान देता नहीं, लेकिन इन सारे टीचरों के लिए जान देने के लिए विक्रम सबसे आगे आता, सारे युवा मेरे साथ आता, फिर
देश के कोने कोने से कि यस ये हमारे गुरु हैं, ये लोग हीरो बन के होते हैं या। लेकिन अब पता चल गया ये सिर्फ रील्स वाले हीरो थे, माइंड वॉश करके बुलाने वाले हीरो थे, ब्रेन वॉश, ये इनका सिर्फ बिजनेस था, ये सिर्फ इनका बिजनेस था। अगर मैं इनके अंदर संवेदना नहीं है, करोड़ों नहीं है, कुछ नहीं है, अगर मैं होती तो उसी दिन ही आते हैं, और कुछ नहीं तो बहुत अच्छे पैसे तो इकट्ठे कर ही लिए हैं। अब आपको पता ही होगा किस तरीके से जाल में फंसाया जाता है, फाउंडेशन बैच के कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं सबको पता है, वो मेंटरशिप नाम का एक कार्यक्रम चलाते हैं, 2-3 महीने के लिए बच्चा जो खुद प्रीलिम्स कहीं से क्वालिफाई करके आता है वहाँ रहता है। फिर एक सुबह मैं IAS फर्स्ट रैंकर कटिहार अपने यहाँ का बिहार का 20 का हाँ, वो व्यक्ति का अच्छा लगा मुझे, उसने बोला था कि मैंने 10-12 जगह सिर्फ मॉक दिया था इंटरव्यू, हम किसी हाँ किसी हाँ फर्स्ट रैंकर हाँ, शुभम भाई ने बोला अच्छा लगा मुझे। बाकी तो मोस्टली पता नहीं IAS टॉप करने के बाद कैसे उनकी जमीर मर जाती है, बिक जाते हैं, क्या होते हैं समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं हमने यहाँ भी पढ़ा है वहाँ भी पढ़ा, ऐसा पॉसिबल है? मतलब फेवर कोचिंग के फेवर में आ जाते लोग, मतलब उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने लगते सिलेक्टेड कैंडिडेट। आई डोंट नो ऐसा क्या वो लोग को देता है कोचिंग वाले जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने लगता है। अगर आपने कोर्स नहीं लिया तो एग्जांपल है ना, पूजा सिंगल जैसे जो झारखंड के IAS ऑफिसर थे, स्कूल में टॉपर, कॉलेज में टॉपर, करप्शन में टॉपर, 8x10 के कमरे में पैक आफ्टर जेल जाने के बाद। यस, आपको क्या लगता है कि जैसे UPSC का जो इतना क्रेज बढ़ा है रिसेंट दो तीन साल में जो क्रेज बढ़ा है UPSC को लेके, इसके पीछे क्या वजह लगती है कि मतलब क्या ये जो टीचर लोग रील्स बना रहे हैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना के प्रमोट कर रहे हैं? एब्सोल्युटली राइट सर, ये ग्लैमराइज किया जा रहा है, ग्लैमराइज किया जा रहा है। अब आप देखिए मतलब जो बंदा UPSC नहीं करना चाहता उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को बोले कि आप प्लीज एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो। खुद मैं शिकार हूँ, खुद मैं शिकार हूँ, ऐसे ना जाने कितने मेरे जानने वाले स्टूडेंट हैं। अभी एक स्टूडेंट को मैंने भेजा, बोला घर से जाकर तैयारी करो, आज ही गया हो घर से, हाँ आज ही उसको घर भेजा कि तुम मत रहो यहाँ, उसको जो भी चाहिए मैं भेज दूंगा, नोट्स वगैरह सब कुछ, स्टडी मटेरियल, क्योंकि वो बंदा अभी फ्रेशर है, अभी अटेम्प्ट कोई नहीं दिया, आज ही गया है। और एक बंदा है मेरा मित्र है क्लोज जो इंटरव्यू दिया है 2-2 बार, उसके साथ मैंने बोला कि वहीं रह लो, पास में आसपास में गांव है वहां तुम, अच्छा छोटे से जिला है वहां रहो तुम, कम पैसे में रह लोगे, सही से रह लोगे, पॉल्यूशन में नहीं मरोगे कम से कम। ये तो है, इसके बारे में पूछूंगा, जैसे हिंदी बेल्ट के बारे में पूछना चाहता हूँ, हिंदी बेल्ट की UPSC एस्पिरेंट है वो, जैसे लास्ट ईयर का मैं आपको रिजल्ट और डेटा बताता हूँ, लास्ट ईयर 1040 करके वैकेंसी था, बट उसमें ओनली 42 कैंडिडेट हिंदी मीडियम से सिलेक्टेड थे, वो भी ऑलरेडी वो सिलेक्ट हुए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, कोई IDS थे, कोई IRS थे, कोई ऑलरेडी मतलब सिलेक्टेड थे कहीं ना कहीं, कोई PCS ऑफिसर्स था ऑलरेडी, मतलब उसमें से कई 42 थे है ना हिंदी बिल्ड के, और उसमें से प्रॉपर फ्रेशर नहीं है, अच्छा अच्छा फ्रेश बच्चा प्रॉपर सेलेक्ट हुआ है, और उसमें से IAS कितने हैं भी अब देख लो, हाँ IAS भी बहुत कम ही थे। तो ब्रदर ये जो इतने कम सिलेक्शन हो रहा है भाई हिंदी मीडियम से, 1042 इवन 100 भी नहीं हो रहा, तो बट जो क्रेज बढ़ाया जा रहा है ना हिंदी बेल्ट के UPSC एस्पेक्ट में कि आप कोचिंग के थ्रू रील्स वील्स बना के जो फेक टीचर्स हैं वो प्रमोट कर रहे हिंदी रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे UPSC में, मतलब ढकेला जा रहा है, मतलब मोटिवेशन का जो अफीम बोलते हैं ना वो चटाके। तो आप पे इस पर क्या बोलेंगे कि मतलब कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है स्टूडेंट्स पे, मतलब टीचर का क्या रोल है मतलब UPSC में आने का स्टूडेंट? पहली बात तो इनको टीचर नहीं बोलूंगा, टीचर उस दिन वो आ गए होते तो मैं जरूर मानता, अब टीचर नहीं मानता, सैल्यूट करता उस वक्त, अब नहीं करता हूँ, ठीक ना। और आप अगर टीचर नहीं मानते तो क्या मानते इनको? कोचिंग माफिया बोल चुका हूँ। अच्छा अच्छा, कोचिंग माफिया मानते जी, और माफिया कोचिंग माफिया ये लोग कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इनकी नेक्सस होती है ठीक ना, और नेक्सस मतलब हर सिस्टम से लेकर हर तरीके से बड़े लेवल पर, क्योंकि इनके पास बहुत पैसे हैं, लोगों तक अच्छी खासी पकड़ है हर तरीके से। अगर मैं नहीं पकड़ होती तो आखिर में आप पता है विदाउट NOC मिले हुए, कोई नॉर्म्स बिना फॉलो करने किए हुए, मौत के कुएं में क्लासेस कैसे चल रही थी या कैसे चल रही थी, इस बात को पहले पकड़ने की जरूरत है। दूसरी बात, जो ये रील्स बनवाते हैं, एक एक जो ये लोगों का, ओझा जी हो चाहे विकास देव कृति खान या किसी का भी, 100-100 अकाउंट्स होते हैं यूट्यूब पर, हाँ 100+ अकाउंट होता है, लोग हैंडल कराते हैं। और पता है आपको, ये लोग स्टूडियो पूरा खोल रखे हैं,
पीआर वाली टीम। हाँ हाँ पूरा पूरा, और उसमें ये लोग पूरा शॉर्ट्स कटवा कटवा कर भेजते रहते हैं, और बार बार दिखता है बच्चा, उसके माँ बाप भी दिखते हैं। अब मेरे पास एक आए थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे अपनी बेटी को लेकर दिल्ली में गोरखपुर से, तो मैंने बोला सर बी प्लान कुछ सोचे हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि एक लड़की होती है समय के साथ शादी, बहुत सारी चीज़ें, सोशल भी अपने तरफ का है कि, तो बोले कि बेटा मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आईएएस की तैयारी तो कर ले, बस एक बार कर ले हो ना हो। तो मैं बोला कि कैसे आप क्या कहाँ सुने, वही आता है ना सर का रील्स देखते हैं, हम भी देखे हैं, तो इसे होता है वो होता है। पेरेंट्स ने बोला? अब बच्ची तो ऑलरेडी देखी वही समझ के आ रही है, और भी सीन है यहाँ बहुत सारे लोगों के माइंड में भी आता है आजकल, जो जिस तरीके से टीचर लोग प्रोवोक करते हैं कि मतलब एक अपने तरीके से एक ऐसा मैसेज देते हैं ना कि दो चार बार जब तक ब्रेकअप रोकअप ना हो तब तक मजा क्या है, क्या जीवन जिया तूने, कुछ नहीं जिया, और तू ना तो सहेगी वो ना तो तू सहेगी। इसमें क्या होता है कि वहाँ से जो बच्चे 10th 12th में माइंड कितना विकसित होता है, नॉर्मल होता है, इतना डेवलप तो होता नहीं है, उसको लगता है कि जाएंगे दिल्ली प्रयागराज या कहीं भी पढ़ने घर छोड़ के, तो हम अगर मैं आईएएस नहीं बन पाएंगे तो मेरा वाला बनेगा, मेरी वाली बनेगी। अच्छा। इस सीन में क्या होता है, चक्र में एक 2-3 महीने तो चलता है सही से, उस बीच में करीब आते हैं, फिर लगता है नहीं इसके अंदर वो दम लो तो दिखावटी था शो ऑफ, फिर कोई और पकड़ते हैं, तो इससे क्या होता है एक सोसाइटी में ना जो एक बोलते हैं ना, हाँ नेगेटिव मैसेज जाता है, जो आप कहते हैं ना कि एक बना हुआ जो एथिकल्स वैल्यू होता है, एक संस्कार जो होता है हमारे, वो सारे चीज़ें कहीं ना कहीं टूट रहा है, कल्चर वैल्यू, कल्चर वैल्यूज खत्म हो रहा है वो, मतलब इस चीज़ को मैंने बहुत करीब से देखा, काफ़ी फ्रेंडों के साथ ऐसा देखा, जो ऑलरेडी कई लोग सेलेक्टेड थे आईपीएस वगैरह थे, वो लोग किसी के और करीब थे, फिर वो आईएएस बने तो कहीं शादी और करना हुआ चीज़ें, बाद में वो लड़की ने आवाज उठाई चीज़ें, अभी बीच में आया था न्यूज व्यूज में भी, और आईपीएस कोई और नहीं जानने वाले ही मेरे हैं, ठीक है उनका नाम उनको हम लिया जाए, सब समझ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे किसे जाती है, तो उससे क्या होता है ना वो जो वैल्यू होता है ना, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो भी टूट रहा है, इससे ग्लैमर कर दिया गया ना, इतना ग्लैमर कर दिया गया, अभी आईएएस बनेगा एंट्री ऐसे कराई जाएगी जैसे बॉर्डर से जंग जीत कराया है, और तो और ऐसे कराई जाएगी, गवर्नमेंट सर्वेंट राइट, नौकर ही तो है आईएएस आईपीएस। सर हम अगर मैं कहता हूँ मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ, हम जाएंगे सिस्टम में 2 साल 4 साल 5 साल काम करेंगे, कुछ ऐसा वहाँ का काया पलटेंगे, कुछ अच्छा करेंगे उस समाज में, बिहार यूपी झारखंड मध्य प्रदेश कहीं जाके, उस जिले का बहुत बड़े लेवल पर कुछ बदलाव लाएंगे, जैसे पेपर 4 में भी हम लोग पढ़ते हैं किसान कई जगह का आईएएस ऑफिसर ने वाकई बहुत जबरदस्त काम किए हैं, जिनका नाम हम लोग लेते हैं पेपर 4 में भी पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा आपने किया है तब फिर उस तरीके से एंट्री क्या बहुत बड़े लेवल पर एंट्री होनी चाहिए, लेकिन ये लोग लड़का बुकिश नॉलेज लिया, किताबी नॉलेज लिया, सेलेक्ट हुआ, पता नहीं वो सच में पढ़ा है कि हैंडीकैप्ट फर्जी बनवा लिया है, कि ईडब्ल्यूएस फर्जी बनवा लिया है, कि एससीएसटी का फर्जी बनवा लिया है, या उनका मनोज सोनी जैसे जो झोला उठाकर चले गए चेयरमैन साहब, वैसे कोई सेटिंग थी, लगाव थी, क्या थी, कहाँ से, या जैसे ओम बिरला की लड़की की भी बातें होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैसा सेटिंग्स है, तो आप अगर मैं सीबीआई इंक्वायरी करवा लें पिछले 15 सालों का, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे। विक्रम ब्रो आप वायरल होने के बाद कुछ एस्पिरेंट या ऑडियंस को लग रहा है, इंडियन पब्लिक को लग रहा है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे को आज क्लियर कीजिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े? सर मुझे काफ़ी ऑफर मिला आज से नहीं, मैं जब पटना था तब भी, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, और इवन सभी एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर पूरी मंत्रालय मुझे बुलाई थी जब ये घटना हुई उसके 4 दिनों के बाद, फिर भी मुझे बोला गया, हमारी बातें रखी गई, बोली कमेटी में आपको शामिल किया जाएगा, स्टूडेंटों के लिए एक कमेटी बनाएंगे, टीम बनाएंगे, काफ़ी सारे ऐसा नहीं है, जो वीडियो सोचिए कि खुद सांसद मिनिस्टर ने और खुद सीएम ने लगाया हो, जो फॉर्मर सीएम ने मेरा, तो क्या लगता है आपको ऑफर नहीं मिलता है? नहीं कहते कि आप पॉलिटिकल पार्टी में मेरे साथ आ जाओ, जुड़ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, कभी मेरा टैग देखे हैं कहीं, मैं आर्टिकल भी लिखता हूँ, पोएट्री भी लिखता हूँ आपके माध्यम से, मैं क्या लिखता हूँ, डॉक्टर विक्रम चौरसिया थिंकर ऑथर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली समथिंग समथिंग, ऐसे ही लिखता हूँ ना, ऐसे ही रहते हैं। मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं? नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, और देखिए पॉलिटिकल पार्टियाँ चीज़ें आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक ही ताली के चट्टे बट्टे एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं चीज़ें, कुछ बदलाव करें, कुछ वैसा बड़े लेवल पर हमें मौका दें, अपने करें, वैसा टीम में रखें, तो मैं चाहूँगा बदलाव, क्योंकि अल्टीमेट गोल मेरा क्या है,
अल्टीमेट बोर्ड यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के मकसद क्या था? सर्विस। हाँ सर्विस, और उसके बाद तो सर्विस उस तरीके का हो जो एक सपना है ना कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। गुड गवर्नेंस की बातें होती है, तो गुड गवर्नेंस लोक कल्याण की बातें होती है, उसमें हमको जरूरी नहीं कि हमको कोई पोस्ट हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी में हो तभी करेंगे। हम निडर होकर एक आम व्यक्ति भी बन के कर सकते हैं, और अगर मैं हमको उस तरीके से मौका दी जाती कि हम लार्ज स्केल पर कर सकते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास हो, अच्छी बात है, मैं करूँगा, अंतिम सांस तक करूँगा, है ना। जैसे आप जानते हो कि यूपीएससी का जो जर्नी है ये काफ़ी लंबा खींचे जाता है। लोग आते तो हैं कि एक दो अटैम्प्ट या तीन अटैम्प्ट में निकाल कर निकल जाएंगे, बट काफ़ी इंटेलिजेंट लोग भी नहीं निकाल पाते यूपीएससी जैसे एग्जाम को, क्योंकि इसमें लक का फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, काफी डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैंने देखा है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट सुसाइड स्टेज तक कैसे पहुंच जाता है, मतलब कि एक अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला लोग इतने वर्ल्ड से अवेयर होने के बाद भी सुसाइड ऐसा स्टेप कैसे ले लेता है अपने लाइफ में, क्या कारण होते हैं कि मतलब लोग सुसाइड की स्टेज तक पहुँच जाता है? देखिए, सोशल प्रेशर जो होता है सोसाइटी का, खासकर रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल्स, वो इस तरीके से तोड़ देता है कि मैंने खुद अपने कई फ्रेंडों को देखा हूँ। और अभी रिसेंटली एक फ्रेंड यहाँ हमारे साथ साथ देने के लिए भी आया था वो टेस्ट में, वो बिल्कुल टूट चुका था, सुसाइड करने जा रहा था, देखे होंगे वो बड़े बड़े चैनल पर भी उसका साथ में चला था। क्या नाम था? नाम तो लेना सही नहीं मुझे लग रहा है, हाँ, क्योंकि हो सकता है उसको, लेकिन ये इंटरव्यू हर जगह चला है, खैर ऐसा नहीं, मैं दिखा देता हूँ। कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं और ऐसे कई सारे युवा हैं जो अक्सर मैं कई सारे आर्टिकल लिखकर अवेयर करते रहता हूँ, और अभी कुछ समय पहले ही तो मुखर्जी नगर से सटा हुआ गोपालपुर आता है एक बच्चा ने सुसाइड किया, यूपीएससी का मेंस लिखना था उसको, और भी कई सारे ऐसे नेहरू विहार में भी एक सुसाइड किया था पिछले साल, तो और भी देश के अलग अलग कोने में सुसाइड, हाँ कोटा यूथ जो है ना सुसाइड की तरफ। अब भाई एक तरफ तो एडवर्टीजमेंट इस लेवल से निकाल देते हो आप कि हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार, नौकरी, लेकिन जब नौकरी देंगे, लेकिन जब बच्चा पेपर देने जाता है किसी तरह इलेक्शन वोलेक्शन का देखते हुए आपने एडवर्टीजमेंट तो निकाल दिया कि ए पी सी एस ओ पी सी एस ई एग्जाम ओ सी जी एल यूपी पुलिस चीजें। अब लड़का एग्जाम देने सेंटर पर जाता है, सेंटर पर पहुंचता है उसे पहले पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया, या एग्जाम देकर रास्ते में आता है पेपर लीक। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कई बार। अच्छा। कि मैं घर आया, अभी पहुंचा, अभी अभी सूज भी नहीं खोला, देख रहा हूँ कि सारा न्यूज में चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। इससे क्या होता है, इससे बच्चे टूट जाते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, और उस युवा को तोड़ने के लिए पूरी प्लान की जा रही है, और ऐसे ही युवा बौरा जाता है। कई बार बौरा कर सिस्टम से लड़ने लगता है, कई बार बौरा कर हथियार उठा लेता है, गलत कदम उठा लेता है, कई बार सुसाइड जैसा कदम उठाता है। कई देखिए सुसाइड कई लोगों ने बीच में किया भी, और कई लोगों ने कोशिश भी किया। अभी एक लड़की ने कुछ दिन पहले एओआरएन का घटना होने से पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, अंजलि करके नाम, अंजलि नाम की लड़की थी। अब आप सोचिए कि युवा राष्ट्र पर कितना बड़ा कलंक है, कलंक वर्ड सही है, हाँ कितना बड़ा कलंक है ना। और जब हम विश्व गुरु बनाने वाले हैं, परीक्षाओं पर चर्चा हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो भाई इस पर भी क्यों नहीं चर्चाएं होती हैं? पेपर लीक पर कीजिए ना, एग्जाम में स्कैम पर कीजिए ना, जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस बन रहे उन पर कीजिए ना, आखिर क्यों नहीं हो रहा है? इस पे करने की जरूरत है। और जो युवा आज मतलब उसको डाइवर्ट की जा रही है, छोटे छोटे रील्स बनाकर माइंड वॉश की जा रही है, और फिल्में बना बना कर अब तो की जा रही है। या तो ब्रदर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, 12th फेल जो वेब सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय दृष्टि आईएएस, ये 12th फेल वेब सीरीज क्या ये सोसाइटी में पॉजिटिव मैसेज दे रहा है या नेगेटिव मैसेज दे रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ही नहीं, अगर मैं कोई भी ध्यान से देखा होगा, अगर मैं उनकी मतलब आंखों पर पर्दे न पड़ा हो, थोड़ा भी रेशनल थॉट हो, तो वो इस बात को समझेगा कि क्या ऐसा प्रैक्टिकल में होगा कि बात बात पर वो राइफल गनर दो नली गन निकालता हो, फिर जूते निकाल कर मारता हो। ये आप समाज में देना चाहते क्या मैसेज देना चाहते हैं क्या आईएएस एस्पिरेंट को? और तो और दो नली बंदूक किसके पास होता है, इस लेवल का गरीब व्यक्ति के पास कहाँ से होगा? आप समझ रहे हैं? तो इससे तो पूरा मैसेज ही पूरी प्लान के साथ दी गई थी, बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए, भटकाने के लिए, माइंड वॉश करने के लिए। इससे कितना नेगेटिव मैसेज गया है सोसाइटी में,
बच्चे के माइंड में जो छोटा मन होता है, कोमल मन होता है, ट्वेल्थ के बच्चे कितना मैच्योर होते हैं सर, आप ही बताइए। ट्वेल्थ के बच्चे देख रहे हैं उसको कि हाँ ट्वेल्थ था, वो बच्चा क्या करेगा, कुछ होगा, बात में दो नाली बंदूक निकाल लेगा, जूते निकाल कर उसके पिता मार रहे हैं। बाय द नेम ऑफ ट्वेल्थ फेल, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्वेल्थ फेल के साथ ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप ट्वेल्थ फेल भी हो जाते हो उसके बाद भी तब भी हमारे यहाँ 2 लाख रुपए फी भरो, IPS और IAS बन सकते, 2 लाख रुपए फी भरो। सबसे बड़ा मैसेज यही जा रहा है मुझे लग रहा है। अगर आप देखें कि UPSC में काफी ब्राइट स्टूडेंट्स लोग तैयारी करते हैं इसका, IIT IIM से छोड़ के आता है लोग, मतलब अगर आप गुड स्टूडेंट्स नहीं हो चाइल्डहुड में तो आप ट्वेल्थ फेल हो के, हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में कोई एक बन भी जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस तो ये है कि जो ट्वेल्थ फेल हो रहा है तो वो IAS IPS नहीं बनेगा भाई लाइफ में। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पता है इसका सिलेबस चीज है, प्रेडिक्टेबल एग्जाम है, अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं सब कुछ, सिलेक्शन रेशियो भी इतना कम है, बहुत कम है, उसमें हिंदी मीडियम का तो देख ही रहे हैं, 42/1000 में, राइट। तो आपको क्या लगता है कि 12th फेल किसके लिए बनाया गया है? इंग्लिश मीडियम वाले उतना मैच्योर होते हैं, समझ होते हैं, वो अच्छे फैमिली से होते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बनाया गया सर। प्रोपोगेंडा को समझ जाता जो अच्छे स्कूल से पढ़े हुए इंग्लिश बेल्ट वाले, हिंदी मीडियम वाले को नहीं लगता वो लोग, हम लोगों को इस चीज को समझने में बहुत टाइम लग गया। टीचर को लोग पूछता है एज ए गॉड, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा क्यों है? जो टीचर कभी क्लास में पढ़ाने आता ही नहीं है और उसको वो, क्योंकि रील्स चीजें फिल्म में है, वो ब्रांड एम्बेसडर बन, ब्रांड ब्रांड ओरिएंटेशन क्लास स्टार्टेड विथ दिस टीचर दिस सर, एक दिन कभी वो आ गए ओरिएंटेशन क्लास में, उसके बाद कभी कोई क्लास में नहीं आया है ना, ऐसा होता है कभी नहीं, 4-5 साल तक कोई पता ही नहीं टीचर है भी कि नहीं। और उस स्कैम में बच्चे फंसते हैं, कोई माँ का गहना बेच कर आता है, कोई जमीन बेच कर आता है, कोई लोन लेकर आता है, और ऐसे में हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मिला दूंगा ऐसे लोगों से, कल हमारे ऊपर बोला कि भाई पता करो कौन पर्सनली है। मैं जानता हूँ पर्सनली, और पर्सनली जानता हूँ कि कई लोग सुसाइड करने जा रहे थे जिनको मैंने बचाया है अपने तरीके से, है ना, हाँ प्रूफ विथ प्रूफ, कोई हवा में नहीं। तो वही ब्रदर, आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो रूरल बेल्ट से एस्पिरेंट आ रहे हैं मुखर्जी नगर में तैयारी करने के लिए, IAS का सपना पाल के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपको अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो करो तैयारी, आप उसको कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट सजेस्ट करते हो कि मतलब 3 अटेम्प्ट के बाद आपको UPSC की तैयारी छोड़ के दूसरा करियर देखना चाहिए? रूरल बैकग्राउंड के एस्पिरेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ से? यहाँ से ही मैसेज दूंगा कि सबसे पहले तो सिलेबस को देख लें। अच्छा, और मेंटर मतलब जरूरी नहीं है कि जो सिलेक्टेड हैं वो ही आपका मेंटर बन सकते हैं, या जो बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं कोचिंग के वही बन सकते दे सकते हैं, जो उस चीज़ में डूबा हो, कई सालों से तैयारी किया है, देखा है, खुद धक्के खाया है, जरूरी नहीं है कि उस रास्ते पर अगर मैं आप जा रहे हो जहाँ ऑलरेडी एक व्यक्ति गया है, उसको पता है कि उस रास्ते पर जाने पर कांटे हैं, बल्कि वो रास्ते को थोड़ा चेंज कर लो, तो वो अगर मैं आपको गाइड कर रहा है, बता रहा है, तो उसको थोड़ा सा समझ लो, जान लो, फेलियर को ज़्यादा सुनो, समझो, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ को फेस कर चुका है, तो तुम भी अपना टाइम वेस्ट मत करो फेस करने में। 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तक हार्डली दे लो, उसके बाद बी प्लान, तो 3 अटेम्प्ट के बाद हम तो कहते हैं 1st अटेम्प्ट के बाद ही बी प्लान रखे रहो, पीछे से माइंड में रखे रहो कि कुछ नहीं हुआ तो ये करेंगे, 3 अटेम्प्ट के बाद तो एकदम साथ में लेकर चलो कि कुछ ना कुछ करना है, तो ये भी क्योंकि UPSC ही सब कुछ थोड़ा ना है, जरूर थोड़ा जी UPSC क्रैक किया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ओनली BSc थे, बैचलर ऑफ साइंस, नॉट MSc, नॉट PhD, हिज ओनली डॉक्टर, ओनली डॉक्टर, हाँ ओनली BSc थे, ऐतिहासिक काम करके चले गए, मिसाइल मैन, उनके एसोसिएट जो उनके साथ काम किए हैं ये जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उनके साथ 10 साल काम किए हैं मिसाइल पर, वो हमारे बीच में आए थे स्लम्स के बच्चों के बीच में, वो बताते हैं एक्सपीरियंस, उनके साथ मैंने 10 साल काम किया है, अभी रिटायर होने के बाद यहीं यूनिवर्सिटी IIT वगैरह में कहीं पढ़ा रहे हैं, वो बीच बीच में हमसे मिलते रहते हैं, हम लोग बात होती है, तो डॉक्टर कलाम सर के साथ उन्होंने काम किया। मेरे कहने का मतलब सर ये है कि कुछ लोगों को लगता है, हमें भी यही लगता था, जो IAS है सब कुछ वही है, लार्जर देन लाइफ बन गया है, लोग यार इतना क्रेज बढ़ गया है ब्रदर, ग्लैमराइज कर दिया गया है ना सर, दिखाया गया है कि ऐसे एंट्री होती है, रॉयल एंट्री, ए ओ पूरा, एक टॉपर आए थे हिंदी मीडियम का, हाँ। और पूरा नाला, वो आप नेहरू विहार वाला देख रहे होंगे, हाँ, वो ब्रिज से नीचे तक मुखर्जी नगर से पूरी लाइन लगी थी, और मेरा आदत है सुबह 5:30 बजे साइकिलिंग करते हुए निकलता हूँ, मैं देखा क्या भीड़ है, लड़कियाँ उड़के कुछ पहचान के मिल गई लड़के, अरे आपको पता नहीं है इस
टॉपर आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं, इनको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा हाँ, रवि सिहाग जी आ रहे हैं। हम कहा व्हाट, एक टॉपर को देखने के लिए इतने बड़ी लाइन लगी? मैंने बोला कि यार इतना देर तुम रूम में बैठ के पढ़ लेते। और उनको आना था 11 बजे, बच्चे 5:30 बजे से लाइन लगाए हुए हैं। और आपको मतलब अजब से लगे कि हमने एक ग्लैमराइज किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे वो दिखा दी जाती है, प्रेजेंट की जाती है। तो मैं कहता हूँ कि ग्लैमराइज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब वो सिलेक्शन हो जाता है, 6-7 साल जॉब कर ले, उस डिस्ट्रिक्ट का काया पलट कर ले, कुछ अच्छा काम कर ले सोसाइटी में, फिर कोचिंग में आके प्रवचन दो, है ना, सिलेक्शन के बाद क्या प्रोफेशन देना, समझ में नहीं आता। ये समझ में नहीं आता है मुझे कि कौन सा उन्होंने जंग जीता है या क्या काम किया है। और सब अच्छे घर के जो सेलेक्ट हो रहे हैं, आप देखिए जाकर, बैकग्राउंड अच्छी होती है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार कम से कम उनके हर महीने अकाउंट में आ रहे हैं मिनिमम। हाँ, और भी सोर्सेज आ रहे हैं, चीजें पढ़ रहे हैं। और ऐसे कई सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो पैसे आ रहे हैं, चीजें उनको समझ में नहीं आ रहा है, कई लोग वो चीजें हाँ हाँ बस वो सपने देख रहे हैं, लगे हुए हैं कई सालों से। पेरेंट्स लोग भी सपोर्ट करता रहता है एस्पिरेंट को कि आप, हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट दे, जो कर सकते हैं वही करेंगे, हम लोग का पेरेंट्स तो नहीं कर सकते। ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स कभी नहीं किए, मुझे 10,000-15,000 कभी नहीं है, मेरा अकाउंट चेक करा लो, मैंने खुद से पढ़ाया और भी काम किया, आर्टिकल लिखा, कई जगह से काम किया, कभी मुझे नहीं घर से मिला, कभी नहीं मिला। अलग बात है कि घर गया, घर से आते वक्त मम्मी ने 500 रुपये पकड़ा दिया, दादी ने 500 रुपये पकड़ा दिया, वो चीज़ है, हमारे यहाँ का कल्चर है बिहार यूपी का, पता ही है। यस यस, अभी क्या हुआ, एक पूजा खेतकर केस हुआ था, राइट, पूजा खेतकर केस में जैसे उसने फेक सर्टिफिकेट और बहुत काफ़ी मिसयूज करके, OIS बन चुकी थी, ट्रेनिंग भी ख़त्म होने वाला था, और ट्रेनिंग वर्निंग ख़त्म होने के बाद पता लगता है कि हर सर्टिफिकेट्स आर फेक, और मतलब कि उन UPSC ने फिर उसको डिसक्वालीफाई भी कर दिया। तो ब्रदर, ये फेक सर्टिफिकेट का क्या मतलब, इंडिया में फेक सर्टिफिकेट कैसे बना ले रहे हैं लोग, मतलब आप? फिर मैं वही बोलूँगा, नेक्सस इस लेवल्स का हमारा नहीं बन सकता ना, एक एक सामान्य परिवार के बच्चों को नहीं बन सकता ना सर, वो कौन बना रहे हैं? हाँ, उनके बैकग्राउंड चेक कीजिए। ऐसे लोग जो जेन्यून हैंडीकैप्ड बच्चा है, जो जेन्यून EWS का है, जो जेन्यू OBC SC ST कम्युनिटी का है, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा है, बल्कि ऐसे फेक लोग जिनकी सिस्टम में पहुंच है, जिनके ऑलरेडी पेरेंट्स IAS हैं, जिनके ऑलरेडी बैकग्राउंड उस लेवल्स का है कि वो मतलब डिजर्व नहीं करते हैं, और सिस्टम को चाहे वो कोई भी सर्टिफिकेट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, चाहे EWS का हो, उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, चल तो बनाकर घर पर वो लोग पहुँचा भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक तार जुड़ी हुई है, नेक्सस है, नहीं तो ऐसे तो नहीं बन सकते हैं। मेडिकल के लिए 2-2 बार बुलाया गया, वो नहीं गई, फिर भी उसको IAS ट्रेनिंग के लिए, चलिए यहाँ से तो आयोग के अध्यक्ष साहब थे, इंटरव्यू चीज़ें सब कुछ वेरिफिकेशन हो, ना जाने कैसे सेटिंग से हो गया, लेकिन लवासना में ट्रेनिंग कराई फिर भी पता नहीं चला भाई। हाँ, इसमें तो DOPT जो वेरीफाई करता है उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनकी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं शब्द को आपको चेंज कर रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी उनकी है, अकाउंटेबिलिटी जो डिजर्विंग व्यक्ति हो, नहीं हो रहा। मैं ऐसे कई सारे हैंडीकैप को जानता हूँ, मेरे साथ मेंटरशिप में भी थे एक बाबूलाल नाम का लड़का, अभी उसको टीचर में हुआ है KVS में। वो व्यक्ति बोल रहा था कि सर हमारे साथ 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें वो 3 लोग कहीं से भी हैंडीकैप नहीं दिख रहे हैं, कहीं से भी नहीं, लेकिन हैंडीकैप सब लगा कर आए हैं हमारे साथ, वैसा बता रहा था। और हैंडीकैप्ड में काफ़ी गपला है ना? अभी देखिए ना, एक लोग सनी लियोनी के साथ वही हुए डांस कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, वो तो हैंडीकैप्ड है। सनी लियोनी के साथ जो डांस कर रहे थे, अभिषेक सिंह या सही बात, सोचने वाली बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल। जब उनको डांस ही करना था तो इधर क्या जरूरत है एक सीट खाने का, कोई IITS बनता, IDS बनता, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो वो कैसे EWS में आएगा, मेरा पूछना ये है। 8 लाख के स्लम्स में था जो फर्स्ट क्लास का ऑफिसर ऑलरेडी है, वो कैसे EWS में आएगा? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस का क्या है, वो 8 लाख के स्लम्स के अंदर आना होता, इनकम नहीं होना चाहिए 8 लाख से ऊपर, नहीं होना चाहिए, वो ऑफिसर्स हैं, वो तो आए कहीं IAS है, रवि सिंह का बात कर रहे हैं ना, IDS IITS इन लोगों को मिला जिनको हो, वो कैसे आएगा? और देखिए बच्चा कई बार वो दिख जाता है सामने से कि कौन कैसे बैकग्राउंड से है, परिवार से है, वो दिख जाता है, जो बड़े बड़े बाइकों से गाड़ियों से घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, वो समझ में आ जाता है कि कौन, मतलब आप यही कहना चाह रहे हो कि रिजर्वेशन का मिसयूज हो रहा है और सिस्टम फेलियर भी है। ग्रेट, इस पर आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा कि जो SC ST का जो
रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया है इंडिया में, उसमें क्या आपको क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट लाना चाहिएगा आपके हिसाब से? देखिए, क्रीमी लेयर अब ऑलरेडी जिनके पेरेंट्स आईएएस हैं, दादा आईएएस थे, ऑलरेडी किसी घर में कोई मिनिस्टर्स हैं जिनके पास हजारों बीघा खेती बाड़ी है, वो कैसे विकर्स एक्शंस में होगा सर, चाहे किसी तरीके का विकर्स हो। अब सोशल बैकग्राउंड की जो बातें होती है, मैं मानता हूं कि कुछ वर्ष पहले, मतलब 100 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले मान लीजिए कि उनके साथ सोशल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, हुआ है लेकिन दो पीढ़ी आपका पार हो गया, तीसरा पीढ़ी तक आ गया, अब भी एक्सप्लॉयटेशन आपका तो नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ एक्सेप्शंस में कहीं कई जगह होती है, ऐसा केसेस देखा गया है कि लोग वो भी आईएएस है और आप पिछड़े समाज से हैं तो आपके पानी नहीं पिएगा, आई चीजें कई बार मैं खुद फेस किया हूँ, दूसरे को क्या बोलूँ, कई लोगों ने बोला जाओ पान लगाओ क्या आ रहा है चीजें। अच्छा, हाँ, मेरे जात को लेकर, कास्ट को लेकर इन लोगों ने किया, यूनिवर्सिटी में हुआ कई जगह है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थाओं में हुआ, और कहाँ बताऊँ मैं आपको, फेस किया, मतलब सोशल होती है डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। लेकिन आपके पास बहुत बैकग्राउंड वो बन गया है, अब आप मर्सिडीज से चल रहे हो, ऑलरेडी आपके घर में दो चार आई ऐसी चीजें, तो हमें नहीं लगता कि होता होगा, वो सब नहीं होता है, नहीं होता, हमें नहीं कि सभी को पता है, नहीं होता है। लेकिन हम लोग जैसे जो कोई बैकग्राउंड नहीं है, सब एजुकेशन के कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, सोशल बैकग्राउंड नहीं रहा, तो हम फर्स्ट पीढ़ी हैं जो दिल्ली तक आए हैं, सफर किए हैं, पता नहीं क्या ऊपर वाला की कृपा था, क्या था कि झक्का खाते, लाठी कुजा, गाली कलौज खाते हुए यहाँ तक आदमी पहुँचा संघर्ष करते करते, तो हम लोग तो फेस कर ही रहे हैं, करें। तो आपका ये ओपिनियन है रिजर्वेशन को लेकर आए? नहीं, जेन्युइन व्यक्ति को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि किसी को भी, और उसका एक हमें लगता है कि एक सर्वे होना चाहिए। अच्छा, कि ऐसा नहीं है कि आप कास्ट बेस पर करो या, और एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में जो लूप हॉल्स है ना, इस लूप हॉल्स को इस तरीके से सुधारा जा सकता है, लेकिन पता ही है कि सब नेपोटिज्म है, पॉलिटिकल डायलेमा है, बहुत सारी चीजें आती है इसमें, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं है ना ये चीजें, इसलिए लोग पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स नहीं ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन। वही बात है, यूपीएससी हब में ओआरएन में एक टीचर है तनु जैन करके, तो थास टू आईएएस करके इंस्टीट्यूशन चलाती है, वो ये ऐसा प्रमोट कर रही है कि ट्वेल्थ के बाद आप आइए, मेरे कोचिंग ज्वाइन कीजिए और मैं ग्रेजुएशन करवाऊंगी और आपको कोचिंग भी दूंगी यूपीएससी की। तो आपको ये कहाँ तक सही लगता है कि ट्वेल्थ के बाद ही लोगों को यूपीएससी में घसीटना कहाँ तक सही है? लोग यूनिवर्सिटी खोलने की बातें कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कराएंगे, यूनिवर्सिटी खोलने की सर बातें कर रहे हैं, इनको तो पहले यूपीएससी का जो बच्चे प्रिपरेशन देश के कोने कोने से आ रहे हैं, 2.5-3 लाख रुपए फी दे रहे हैं, उनको तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पा रहे हैं, एक कैंटीन तक नहीं दे पा रहे हो, खाना कैसे खाता है बच्चा पता है आपको? Yes, इतनी गंदे तरीके से भाई साहब, आप वर्धमान में या ORN में करोल बाग में कहीं जाकर देख लीजिए, जो बेचारे मजबूर होते हैं खाने के लिए, मक्खियाँ चीजें, आप एक कैंटीन तक तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं, आपके पास इतनी पतली पतली निकलने के लिए एक सिंगल दरवाजे होते हैं, कोई घटना घट जाए तो पता नहीं क्या बॉन्डर हो जाए, कितनी मौतें होंगी, क्या होगी, और आप बातें कर रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन भी कराएंगे, यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे, जॉब भी दिलवाएंगे। अरे कैंटीन तो पहले सही से खोल लो, बच्चों को शुद्ध खाना तो मिल जाए, पहले बोलिएगा मैम को या जो भी सर है कि पहले एक, हाँ, एक कैंटीन तो खोल लीजिए। कैंटीन है उनके इंस्टीट्यूट में? नहीं है ना, एक कैंटीन नहीं है सर खाने के लिए, जो बेसिक चीजें होती है जब व्यक्ति खाएगा नहीं पिएगा नहीं सही से तो कहाँ से पढ़ पाएगा? और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या होता है सबको पता है, बेसमेंट में क्लास चला रहे थे आप लोग इतने सही थे तो क्यों तुरंत जल्दी सब सामान वगैरह ट्यूबलाइट से लेकर उठाकर सब निकल लिए जब डंडा पड़ी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का और CBI का इंक्वायरी हुआ, तो क्यों भाग रहे हो भाई? बड़े बड़े आप सही थे तो भाग क्यों रहे हो? अच्छा, आप सही थे तो बेसमेंट में चलाते कि हम सही है। मैं इसको कोचिंग्स जिस तरीके से चीजें, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, मेरे एक दिली इच्छा है कि अपने जीवन में एक ऐसा चीजें करूँ जहाँ बच्चे के पास अगर मैं पैसे नहीं हो, 1 रुपया भी देकर उसको सारी फैसिलिटी मिल जाए, खाना पीना रहना। यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, नीट का करना चाहता है, नीट JRF का करना चाहता है या PCS का, अदर एग्जाम्स जो भी होते हैं कम्पिटिटिव,
उनको इन्वायरमेंट वो नहीं मिल पा रहा है मान लीजिए, क्योंकि वो उस लेवल का हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं, तभी कोचिंग्स डेवलप्ड हुए हैं, कोचिंग्स जैसे कंसेप्ट ही इसीलिए आए हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं वही करना है तो हमारे पास एक रास्ता है, मैंने एक प्लान बनाया है अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, चीजें हमने प्लान बनाया कि हम एक ऐसा लोगों को विकल्प देंगे जो देश के कोने कोने में, हर राजधानियों में, हर जिलों में अपने सुविधा के अनुसार वो आए, उनकी जब तक क्लासेज हैं, चल रही हैं, जिस तरीके से जो फैकल्टी, टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं चीज़ों, वो भी हमारे साथ आए जुड़े, हम उनको फ्री में रहने खाने पढ़ाई का सब देंगे, या जो डिजर्व लगता है कि हम दे सकते हैं, जो कैपेबल हैं वो दे ही सकते हैं, और आफ्टर सेलेक्शन लगता है कि इस फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहिए, मोस्ट वेलकम है। और भी जो CSR का और भी अलग अलग जो कंपनी वाले हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ सारे स्टेट के गवर्नमेंट भी उसमें सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक जो मैंने एक ड्राफ्ट तैयार कराया है। तो ये आपका प्रोजेक्ट दिल्ली में, पूरे ऑल ओवर इंडिया के हमने प्लान किया है, सेंटर्स बनाने, हाँ ऑल। लेकिन अब ऐसा नहीं कि बिहार का बच्चा इतना दूर दिल्ली तक आए, हाँ उसको अगर मैं वहीं पटना में मिल जाए, वहीं उसको उसके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, तो क्या बोल रही है। बिल्कुल सही बात है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं आप। एक पवित्र सोच है, एक दिल्ली इच्छा है, एक नेक सोच है कि ऐसा हम कर सकते हैं, विकल्प दे सकते हैं, जहाँ हर एक बच्चा, क्योंकि यूथ्स कहते हैं ना कि युवा किसी राष्ट्र के एनवायरमेंट में प्रमुख भूमिका, युवा राष्ट्र है, और अगर मैं उसको हम सही जगह दे दें, और UPSC के लिए मैं चाहूँगा कि युवा बुढ़ापा अपना मत 35 ईयर्स तक देते हैं एग्जाम सर, और उसके बाद तो PCS के लिए भी 10 साल देते हैं 40। और मेरे जानने वाले कई लोग हैं जो बैठते हैं मेरे साथ और शान से बोलते हैं कि हमने इतना मेंस लिखा, इतना इंटरव्यू दिया है, UPSC का अटेम्प्ट निकल गया, PCS दे रहे हैं, और PCS के बाद भी पता नहीं कैसे 10th 12th का फिर से एग्जाम देकर 50 ईयर्स में एक भाई साहब है जो एग्जाम देते हैं पूरा। अरे भाई साहब श्रीवास्तव जी हैं, देखिएगा उनका वीडियो काफी वायरल हो रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा आपके पास एक, मैं मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक ऐसा प्रपोजल बनाइए आप कि जनरल वालों को 24, OBC ST को हार्डली 26 या 27 के बाद युवा, अच्छा, को अगर मैं मौका नहीं, और भी रास्ते हैं जो बहुत सारे खुले हुए हैं वो मिले। अब आप कहेंगे कि कैसे, एजुकेशन सिस्टम तो बड़ा खराब है, चीज़ें हैं यूनिवर्सिटियों का, चीज़ों का, तो उस लेवल्स का वो एक टेस्ट लीजिए, उस लेवल का एक अपना यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को भी सुधार करने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम्स किसी भी राष्ट्र के नाम, शिक्षा ही वहाँ का मजबूत होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कीजिए या फिर, और आप 35 ईयर्स में एक IAS लेकर क्या करेंगे, उसके पास कहाँ एनर्जी होगा, तो जाएगा तो करप्शन ही करेगा मोस्टली। या ये तो आपने बहुत, जो हो रहा है मकसद होता है। एक मेरे साथ था, DSP है अभी, वो DSP नहीं, वो सीनियर कमिश्नर बन गया, वो बन गया है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो बंदा मेरे साथ रहता था, रूममेट भी था। Yes. और उस वक्त मैं आपको बता दूं कि वो मुझे कई बार बोलता था, अरे विक्रम भाई जाएंगे सिस्टम में, लूटेंगे, चीजें करेंगे, वो करेंगे, और सिलेक्शंस के बाद, पता है आपको, उसके बाद भी व्यक्ति, मतलब मुझे कहते हुए ये लग रहा है कि कह रहा था सिस्टर की शादी है, ये है, वो है, और कई कोचिंग्स में जा जाकर, जिस कोचिंग में पढ़ा था वहाँ नहीं गया कि वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे चीज़ें, कई कोचिंग में हमसे बोला कि विक्रम भाई आप पढ़ा भी रहे हो चीज़ें, आप बात करो, वहाँ से पैसे लिए चीज़ें। उसके बाद जब इस पोस्टिंग हुआ, क्योंकि 2017 वाला पोस्टिंग लेट से हुआ था, 2019 में लोगों को लिया गया था, तो उसके बाद इसकी तरीका बदल गई चीज़ें और काम करने का, ये बंदा है अपना साथ का है, ठीक ना, हाँ अभी सीनियर बन गया है चीज़ें, मेरा कहने का मतलब ओवरऑल, और यहाँ तक इस बंदे ने खैर कहना नहीं चाहिए, जिससे इसका मोहब्बत था उसे शादी भी किया, लेकिन अब फैन में लटकी हुई उसकी वाइफ कुछ दिनों के बाद मिली, अब सच्चाई क्या था कि वो सुसाइड की या क्या किया गया, फिर उसके बाद दूसरे से शादी किया, डॉरी सिस्टम, IAS बन गए, तुम्हारा 5 करोड़ फिक्स है कम से कम, डॉरी हमारे यहाँ खूब है ना, हाँ कि हाँ IAS बन गए तो 5 करोड़ फिक्स है, DSP बन गए 2 करोड़ फिक्स, मतलब एक ऐसा बना दिया गया जाल, ट्रैप ना सर। हम कहते हैं कि युवाओं को बूढ़ा मत करो, बूढ़ा हो रहा है युवा,
इस एग्जाम के स्कैम में। अब गवर्नमेंट कितना बड़ा स्कैम करती है पता है आपको? एक एक एग्जाम्स में कम से कम 500-200 फी होता है, बहुत सारे एग्जाम्स का 100 भी होगा। करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, करोड़ों रुपए अर्न कर लेती है, फिर पेपर लीक होता है, फिर कई साल के 2016 की भर्तियां 2021 में लेंगी एग्जाम्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो ब्रदर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोग, अभी यूपी कांस्टेबल का फॉर्म पेपर लीक हुआ था इस साल, तो उसमें क्या कुछ 60,000 वैकेंसी थी और 60 लाख लोग फॉर्म भर था उसके लिए, और उसमें काफ़ी लोग हाईली एजुकेटेड लोगों ने भी कांस्टेबल के फॉर्म के लिए भरा था। तो आपको क्या लगता है कि युवा क्यों भर रहा है? मतलब इस देश का दुर्भाग्य है सर कि युवा को, जो यूथ्स हैं उनको वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है देश। इस देश का जो प्लानिंग जो बनाई जा रही है, मतलब जो सिस्टम्स में जो टॉप मोस्ट पर बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट, कॉर्पोरेट, पॉलिटिशियन, सबकी बातें करूंगा, बट वो लोग क्रेडिट लेने में तो बहुत आगे हैं। बहुत, मुझे तो ये लगता है कि जो देश चल रहा है ना अपना, इतना बड़ा लार्ज देश है, तो उस अभी जो सक्सेसफुल डेवलपिंग कंट्री में हम लोग आते हैं, तो उसका जो मेन रीजन है वो यहाँ के हार्डवर्किंग सिटीजन्स हैं, नॉट ब्यूरोक्रेट, नॉट पॉलिटिशियंस। दे आर, वो तो हम लोग से उनकी जिंदगी चल रही है ना, वी आर पेइंग द टैक्सेस, राइट? तो और हमी लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमी लोग को किया जा रहा है। आप यही बताइए ना, जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी एग्जाम, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक की बात करूंगा, सारे एग्जाम्स कौन देते हैं, कौन कौन आते हैं? मोस्टली मिडिल फैमिलीज के बच्चे, लोअर मिडिल फैमिली, किसान के बच्चे, कोई ब्यूरोक्रेट, कॉर्पोरेट, बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे तो होते नहीं है उसमें। बिल्कुल, आप बताइए, बड़े घर के तो बच्चे नहीं होते, मोस्टली वही होते हैं। बहुत होगा तो कुछ एक अपर थोड़ा सा होगा, मिडिल से थोड़ा सा अपर होगा, यही लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ, जानते हैं कि गरीब मध्यम परिवार के बच्चे हैं, चीजें क्या करेंगे, बहुत होगा, इसलिए इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ लगातार होती रहती है, खेलते रहते हैं, कीड़े मकोड़े जैसे, मर गया ठीक है, हाँ इतना रुपया दे दो, ठीक है शांत हो गया सब कुछ, यही तो हो रहा है। और अगर मैं कोई कुछ किसी जिला में देखो, IAS बन के लड़का जाता है किसी जिले का, फिर वहां कर देखो वहां का MLA MP लोग कैसे हमारे जिला में क्रेडिट लेने के लिए आ जाएंगे, वोट वगैरह सीन, बहुत सारी चीजें होती हैं सबको पता है। लेकिन उस संघर्ष में, चीजों में कोई नहीं, और सोशल जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, मामा फूफा मौसा जीजा दादू, ये जो होते हैं ना, इस लेवल से बच्चे जो तैयारी करने आते हैं 2-3 साल, और कलेक्टर साहब का हुआ, बने नहीं, अभी नहीं बनला, का होगा अगर मैं गलती से, वो बच्चा थक हार के कह रहा है कि अब घर पर ही रहेंगे, कुछ ऐसा करेंगे अपने गाँव में, शुद्ध हवा लेंगे, तो इस तरीके से तंज कसते हैं कि उस तंज से बच्चा सुसाइड कर लेगा, फिर वहां से भागता है वो। अच्छा, एक मेन कारण ये भी हो सकता है ना कि जो एस्पिरेंट को 4-5 साल हो गया दिल्ली जैसी जगह में, वो होम टाउन भी नहीं जा पा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी का प्रेशर और फैमिली जो नेबर का टॉन्ट के वजह से। फैमिली तो होती है, लेकिन उतना फैमिली नहीं होती, कई बार फैमिली समझती है, लगभग 90% फैमिली में मैंने देखा है समझ जाती है, कहती है क्या करेंगे हमारा बेटा है, चीजें समझ रहे हैं, लेकिन फैमिली को भी जिस तरीके से तंज कसते हैं रिलेटिव वाले ना, जिनको सो कॉल्ड शुभचिंतक बोलते हैं, ये शुभचिंतक नहीं होते हैं, ये मारने वाले, चूसने वाले होते हैं, जैसे चूसता है ना वो बिच्छू कुछ वैसे, हाँ वैसे कुछ, ये चूसने वाले होते हैं, ये छोड़ते नहीं है कहीं, कहीं नहीं समझते हैं कि यार एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए कहीं। देखिए ये मेरा एक्चुअली रियलिटी आपको बता रहा हूँ, मैं जिस गांव से, छोटे से, जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, जब मैं 4-5 में था ना, तभी मैं देखता था कई लोग रिलेटिव वलेटिव, जैसे मेरे बुआ का लड़का वड़का का फौज में, आर्मी वर्मी में, पुलिस में नौकरी हुआ, तो मेरा बड़ा शौक था, कोई बॉर्डर वॉर्डर कई फिल्में उल्में भी देखा था कि मैं जाऊंगा बॉर्डर पर लूंगा, धड़ धड़ चलाऊंगा, मेरा कसम से यही मकसद था जीवन का। 10th पास किया तो हाइट वाइट वाला इशू, मतलब रनिंग वनिंग में थोड़ा सा उस वक्त करता था, पटना जाने होने के बाद थोड़ा फैट वेट बढ़ गया बैठे बैठे, क्योंकि ऐसे, तो मेरा मकसद तो था यही कि बॉर्डर पर जाऊँ और वहीं शहीद हो जाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी फिजिकल चीज़ें मेरा साथ नहीं दी, हाइट वगैरह चीज़ें बहुत सारे सी, बट मैंने कोशिश किया उस वक्त, अच्छा, बट नहीं हुआ वहाँ, तो फिर अलग ट्रैक, कुछ ना कुछ तो लगता था ऊपर वाला, पता नहीं क्या चाह रहा है वो, तो मतलब देशभक्ति भावना बचपन से थी। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि आप डरते नहीं है, कई लोग रास्ते में चलते हैं कि इतने बड़े बड़े एजुकेशन, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े IAS ऑफिसर जी के खिलाफ आप बोल रहे हो, आवाज उठा रहे हो, वो तो आपको कहीं कुचलवा देगा, मरवा देगा, ये करवा देगा। हम कहें कि हम तो जब 10th में थे तभी, उसी वक्त मेरा मान लो कि
आर्मी में सिलेक्शन 10th के लेवल पर होता है, लोग जाते हैं, 10वीं पास किया था और उसी वक्त हम जगह जाते हैं और 10 दिन के बाद ही गोली लग जाती, मर जाते हैं, सही तो उसी वक्त हो जाते हैं। तो अब मैं सच्चाई के लिए सिस्टम, आपको पता होगा आरजी नाम है उसका, नाम मिस कर रहा हूँ, रेडियो जॉकी से कॉल की थी मैम ने उसी वक्त ओरन की घटना के 6-7 दिन के बाद। यस यस। तो पहले तो जिस तरीके से बात की वो मेरे को ऑब्जर्व करने के लिए डराने की कोशिश की। अच्छा। फिर वो बोली कि विक्रम सैल्यूट यू, और जो आज आप कर रहे हो वो आप शायद आईएएस बनके भी नहीं कर सकते थे, और ना ही आप जो सपना था कि आप आर्मी में जाकर सेवा करें वो आप नहीं कर सकते थे, जो आज अभी आप किए हो। उन्होंने बोला कि जो आप पूरे देश को अवेयर किए हो, जागरूक किए हो, युवाओं को, काफ़ी युवा जो मारे जा रहे थे वो चला था, कई बार उन लोगों ने रिपीट करते हैं ना एफएम वाले। हाँ। तो मेरा इंटरव्यू, वो पहले बोल रही थी कि आपका नाम छुपाएंगे, कोई आपको डर होगा। हम कहे कि अरे नाम तो सब लोग जान गए हैं, सब चेहरा देख लिए, आप नाम छुपा कर क्यों करें, मैं डरता नहीं। मैं तो 10th क्लास में, कितनी उम्र मेरी थी, 15 साल थी। मान लो कि हम, मेरा बॉर्डर पर मैं चला जाता, मेरी आर्मी में हो जाती, मैं बॉर्डर पर वहाँ धड़ धड़ करते हुए हमें भी तो लग सकती थी। हम कोई रोबोट तो है नहीं, तो हम उसी वक्त चले जाते हैं। ये तो ऊपर वाला का सौभाग्य है और कर्म है कि हम अभी जिंदा हैं। ब्रदर, मैं आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भारत का जो युवा है ना वो डरा हुआ है, और लोग नौकरी उनके लिए सब कुछ हो चुका है। अरे मेरे साथ जो डिटेन किया गया था लड़कों को, हाँ आपको मैं बता दूं, डराने के लिए, मेरे को डराने के लिए स्पेशली, मेरे सामने बच्चे को बुरी तरीके से पीटा गया, जैसे लग रहा था कि इतना बड़ा क्राइम करके आया हो, और करंट वरेंट सटाया गया पूरा उसका पीठ, ये लोगों ने देखा था, बहुत बहुत बुरी तरीके से पूरा पीटा गया था, जितना मार सकते थे वो लोग, बस उसकी मैं बता नहीं सकता उसको। और वो बंदा से हम लोगों ने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया दोबारा कि चलो हम लोग कंप्लेन करते हैं, बात करते हैं। बोला कि नहीं भैया देखो घर चले जाएंगे, घर वाले बुला लेंगे, कंप्लेन होगा, घर का एड्रेस सब लोगों ले लिए थे हमारा भी सबका, फिर पढ़ाई आगे नहीं हो पाएगा, फिर घर वाले हमको पैसे नहीं देंगे, हम क्या करेंगे। तो युवा तो इस लेवल से भी डरा हुआ है कि उसको साथ कितना भी अब ब्रूटली पीट लो, गालियाँ दे लो, मार लो, फिर भी वो सोचेगा कि नहीं क्या करेगा बेचारा, ये सीन है। और जो आईएसपीसीएस कॉलेज का स्टूडेंट तो है नहीं, आईएसपीसीएस की तैयारी करने आए हैं, तो उनके अंदर एक और भी चीजें रहती है कि ठीक है। तो जो दूसरों को जस्टिस दिलाने के लिए यूपीएससी जैसे संस्था में जाना चाहते हैं, वो अपने जस्टिस के लिए आवाज तक नहीं उठा, आवाज नहीं उठा पा रही, ये समस्या है। और आवाज अगला उठा रहा है तो कई बार उसको लोग ये कह देते हैं कि ये पागल हो गया है, इसको जान के डर नहीं है, ये वो, और मतलब कुछ कुछ नेता बन रहा है चीजें, उनको ये पता नहीं है कि मेरा पॉलिटिक्स से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। और ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स वाले कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं, खुद एजुकेशन मिनिस्टर की पूरी टीम बुलाए, ये लोग थे वहाँ जाते, विक्रम जी आइए, विक्रम आप हो, पहले नाम वहाँ पहुँचा हुआ था। तो क्या मैं चाहता था पॉलिटिक्स ज्वाइन करके पॉलिटिक्स नहीं करता, नहीं। हाँ गुस्सा था मुझे प्रधानमंत्री जी को लेकर कि वो नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलते थे कि 2 करोड़ लोग युवाओं को रोजगार देंगे, अब इससे खुद कोचिंग वाले भी अपना ऐड निकालते हैं कि ये समझ रहे हैं। अब उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव मुद्दा था जहाँ प्रधानमंत्री जी बोलते ही नहीं है, समझ रहे हैं। अब वो युवा मारा जा रहा है, जिस किसान को रोटी आप खाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए एक शब्द आप नहीं बोलते हैं, बल्कि उन पर लाठियां बरसवाते हैं उन्हीं के बेटों द्वारा, क्योंकि पुलिस में मोस्टली किसानों के बच्चे होते हैं, ये चीजें मैंने देखा करीब से। तो मैं खुद गुस्सा में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनारस भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली नॉमिनेशन चीजें नहीं हो पाए, क्योंकि अच्छा आप कोशिश किए थे। हाँ जी, इस बार 24 का वाओ सारे न्यूज वोज में कवर हुआ है, आपने देखा होगा शायद। क्यों किया? क्योंकि मेरे पॉलिटिक्स ऐसा नहीं कि राजनीति करना था, बस एक दिखाना था सिंबॉलिक कि मैं नाराज हूँ। हाँ, युवा को मैसेज देना था मुझे अल्टीमेटली, यूथ्स को और वहाँ पार्लियामेंट में जो बैठे हैं उनको, कि भाई युवाओं की आवाज को उठाओ। और सच बताएं आपको कि इस घटना के बाद पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा चल रही थी। अच्छा। हाँ, दोनों में खूब हुआ चर्चा युवाओं को लेकर। तो कहते हैं ना कि आवाज उठाओ, आज नहीं तो कल आवाज सुनते हैं लोग, सुनाई देती है, बदलाव होती है, थोड़ा सा लाउडली उठाना पड़ता है आवाज, डेमोक्रेसी है। अगर मैं सच्चाई के साथ, नेक दिली प्यार के साथ और स्ट्रांगली नैतिकता के साथ आवाज उठाते हो तो आज नहीं तो कल रंग लाती है। ऐसी चीजें मैंने खुद ऑब्जर्व किया, फील किया है कि मैंने जब जब उठाया है सुनाई दिया है ना। पार्लियामेंट में उसकी चर्चाएं हुई है, नीट नेट वाले मुद्दा पर, हाँ इसके नेट जीआरएफ वाले मुद्दे पर भी चर्चा हुई पार्लियामेंट में। वो मंत्री जो ऑलरेडी पहले जब उनकी सरकार थी तो मंत्री थे, अभी सांसद हैं, इन लोगों ने पार्लियामेंट में उठाया, है ना? वीडियो दिखा दिखा कर मेरा, तो अच्छा लगा कि हाँ कम से कम आवाज तो जा रही है, उठ रही है।
तो वही आप युवा को ये मैसेज देना चाहोगे कि आपको अगर इनजस्टिस फेस कर रहे हो तो आप आवाज अपना उठाइए। हाँ, किसी प्रोपेगेंडा में मत फंसे। क्या होता है ना, पहले देखिए जेपी आंदोलन को याद कीजिए, वो युवाओं का एक मोमेंट था। बिल्कुल। आज क्या है, युवा प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं। एक तो ऑलरेडी करियर का प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, उसपे से अगर मैं एक बार कोई मुद्दे को लेकर युवा आक्रोशित होता भी है किसी मुद्दे को लेकर एक्स वाई जेड, तो कुछ समय के लिए होता है, फिर वो शांत हो जाता है। अगर मैं होगा भी तो बीच में कोई ऐसे कोई पार्टी का, कोई विंग का, कोई इस विंग का, कोई उस विंग का आएगा, वो उसको अपने तरीके से प्रलोभन देगा, कुछ लोग इधर उधर चले जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर सच में आग होता है तो उसको किसी तरीके से शांत करा दिया जाता है, और कुछ लोग अब अकेले पड़ जाते हैं तो शांत हो जाते हैं। ये सारे चीजें मैंने फेस किया है खुद, है ना। हाँ, खुद किया है। तो सारे युवाओं से एक मैसेज है, रिक्वेस्ट है कि युवा अपने आप में एक विंग होता है, वो किसी विंग को ना देखे कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये है, वो है, ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अरे अपने आप में तुम यूनाइटेड हो, और हम सब युवा एक पेड़ है कि डालियां हैं, पक्षियां हैं, और उस पर एक यूनाइटेड होकर हम सबको मजबूती से लड़ने की जरूरत है, तब बदलाव होगा। आप देखिए बांग्लादेश में कैसे सत्ता पलट कर दिया ना, सत्ता पलट कौन किया, युवा किया। यस, युवा किया ना जी। मतलब युवा में इतना पावर है कि आदमी सत्ता पलट कर सकता है। युवा वायु के समान होता है, युवा युवा ही इतिहास रचा है। कहीं भी कोई भी आप मूवमेंट को उठा लीजिए, किसी रिवोल्यूशन को उठा लीजिए, सारे आपका देखने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट मोस्टली होंगे, किसी भी रिवोल्ट को पढ़े होंगे या मूवमेंट को, पता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को ही उठा लीजिए। तो मतलब इनजस्टिस के लिए आवाज उठाना जरूरी है, तभी तो जिंदा हो, जब तक जिंदा नजर आओ। और इनजस्टिस जहाँ रखो, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, तो वो आपके अंदर राग पैदा करो। भगत सिंह कितने साल में चले गए भाई साहब, 23 years, बताइए 23 years। या तुम 30-35 साल तक तुम डर रहे हो कि मेरे ऊपर FIR जाएगा, मेरे ऊपर ये हो जाएगा घर पर, और रो रहे हो, बैठे हो। अरे सच्चाई के लिए लड़ रहे हो ना यार, तुम कोई चोरी नहीं किए हो, गलत काम नहीं किए हो। गलत काम से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गलत काम मत करो, है ना। गलत काम मतलब कोई भी एंटी नेशनल चीजें हो, या फीमेल्स को लेकर आजकल जो चीजें अक्सर। विक्रम ब्रो, हमने ये पॉडकास्ट किया और काफी अनफिल्टर्ड टाइप का पॉडकास्ट था, और मैं आपसे लास्ट में एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप अपना जो यूथ है उसके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे पापा सॉरी से। अभी देश के अपने सभी युवा साथियों से एक विनम्र निवेदन भी है, आग्रह भी है। ओके। कि सबसे पहले युवा शक्ति को पहचानिए, और जो अक्सर आज युवा जो जिसको मतलब सभी की नहीं बात करूंगा, लेकिन कुछ युवा जो मरा हुआ है, जो मरा हुआ मतलब कहने का मतलब है कि उसके अंदर वो आग नहीं है, हाँ करेज नहीं है, वो तो सबसे पहले अपने अंदर लाओ। और जो आज अलग अलग नशे वगैरह में लिप्त हैं उनसे बाहर निकलिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, और उस युवा से ही सब कुछ बदला हो सकती है, क्योंकि वही फ्यूचर है, वही पूरी दुनिया में डंका बजा सकता है। तो जो खासकर जो किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा या किसी छोटे मोटे लालच में फंस जाते हैं, उनसे बाहर निकलिए, एकजुटता लाइए। युवा अपने आप में एक विंग है, और हम सब मिलकर अगर मैं आप सभी ने साथ दिया तो ऐतिहासिक एक जो देश को विश्व गुरु बनाने की भारत की बात होती है ना, वो हम सब मिलके बनाएंगे। और पता है आपको, लोकतंत्र में आज लोग अपने अधिकारों की बातें तो करते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये राइट्स है, ये राइट्स है, लेकिन जब ड्यूटीज की बात आती है, खासकर एजुकेटेड लोगों को भी मैं देखता हूँ, वो भूल जाते हैं कर्तव्य को। तो इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति अपनी ड्यूटीज को निभाइए। सिर्फ युवा ही नहीं, जो रिटायर्ड बुजुर्ग हैं, क्या वो युवाओं का साथ नहीं दे सकते हैं? वो मोटिवेशनल चीज़ें या उन बच्चों के साथ जाकर लाइक वो लगा सकते हैं अलग अलग जगह पर अवेयरनेस कैंप टाइप का, सोशल चीज़ें युवाओं को जगा सकते हैं, जहाँ स्मोकिंग वगैरह जहाँ होती है बच्चे करते हैं दुकान पर। हम लोग खुद यूथ्स होकर जो प्रिपरेशन शुरू करने आया था, मैं कुछ फ्रेंडों के साथ, मैं मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में, पटेल चेत दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास हम लोग कैंप लगाया करते थे अवेयरनेस के लिए। लिखते थे कि ऐसे लंग्स खराब हो जाएगा पीने से, ये हो जाएगा, वो स्लोगन बना बना कर। इसमें क्या हमारे बुजुर्ग साथी जो रिटायर्ड हो गए हैं, घर में बैठे हैं, वो भी साथ दें, क्योंकि ये एक दूसरे से बुजुर्ग और सभी लोगों को मिलने से होगा, ये यूनाइटेड होने से होगा। और युवा को बचाना सभी का एक कर्तव्य है, ड्यूटीज है, और ये एक मतलब नैतिक कर्तव्य है। तो क्योंकि देखिए, जब युवा ही डाइवर्टेड रहेगा, भटके रहेगा, तो कैसे, और हर हाथ में युवा के काम रहेगा, हर हाथ में उसको, देखिए अब
यूएसए वगैरह इतना डेवलप्ड क्यों कंट्री है, चाइना क्यों कंट्री डेवलप्ड है, इसके रीजन से ही है कि भाई वहाँ हर हाथ में काम है, बच्चा स्कूल में जाता है तभी उसको मिलता है, ऐसा चीज़ है कि उसकी अच्छी स्टडी भी होती है, उसको पॉकेट मनी भी खुद निकाल लेता है। तो कुछ ऐसा युवा को भी सोचना होगा क्योंकि पेरेंट्स पर कई वर्षों तक वो डिपेंडेंट होते हैं, घर से 15,000 रुपये आ रहा है, कई युवा को मैं देखाऊँ दबा के दाल भात चावल ऐसे खाएंगे चोखा और आराम से सोए रहेंगे और फिर बाबू सोना थोड़ा बहुत करेंगे, फिर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और फिर मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं देखता हूँ कि मेडिकल के दुकानों पर भीड़ लगी रहती है शाम को होते ही। डायरेक्शन लेस है तो डायरेक्शन की बड़ा जरूरत है। कुछ चीजें मैंने खुद देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जो युवा को कुछ जो मेंटर बनते हैं अपने आप को गुरु हैं आज, कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा रोल है डाइवर्ट करने में, है ना। ये प्यार मोहब्बत की जो चीजें थोप दी जा रही है, प्यार इतना आसान नहीं होता है भैया, लैला मजनू या चीजें, वो प्यार अलग चीज होती है, प्यार सब 90 साल की उम्र में भी हो सकती है चीजें, वो अलग चीज होती है, वो हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो प्यार के नाम पर आज जो परोसी जा रही है ना। एक बालक था 12 साल का, वो गया राजा हरिश्चंद्र फिल्म देखने, और उस फिल्म से प्रेरित होकर वो अपने आप से कमिटमेंट किया कि पूरा जीवन हम सत्य के राह पर चलेंगे, और सत्य के राह पर चला और वो मतलब भविष्य में पूरी दुनिया के लिए एक डायरेक्शन बना और ऐतिहासिक चीजें करके गया। आजकल का युवा क्या दिखता है 12-13 साल 14-15 साल के, आप अच्छी कोई फिल्में भी देख रहे हैं, सीरियल भी देख रहे हैं, तो 10-15 मिनट के बाद एक ऐसा ऐड आएगा जो सारी फैमिली साथ देख रहे हैं तो बोलेंगे कि नहीं, अपने आप को नजर छुपाएंगे मैंने नहीं देखा। तो ऐड वाले चीजें से देखो मीडिया में सभी आ जाती है, फिल्में से लेकर हर कुछ, एक इस पे भी सेंसर बोर्ड चीजें ध्यान देने की जरूरत है गवर्नमेंट को भी। हाँ। क्योंकि देखिए संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं। अब बच्चा 12-13-14 साल का वो देख रहा है उस तरीके से ऐड, तो उसके माइंड में तो वहां से वो केमिकल स्टार्ट हो गया है, और उसको जैसे ही मौका मिलता अकेले कहीं रहने का, जैसे ही कुछ घटनाएं ऐसी क्यों घट रही है, चाहे कोलकाता वाली मामला हो, चाहे निर्भया वाला, चाहे अलग अलग जगह में आए दिन घट रही है, आखिर में क्यों हो गया। हर एक महिला माँ होती है, चाहे उसे कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंड सिस्टर वाइफ दादी नानी कुछ भी, 9 महीना कोख में रखकर इस धरती पर उलाती है हमें, और आप उसको एक ऑब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट कर रहे हो, बिल्कुल वस्तु के रूप में ट्रीट कर रहे हो। डेट रीजन की इतने सारी घटनाएं घट रही है, एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए आप, आज जो रिश्ते टूट रहे हैं, आज इतने सारे डायवोर्स हो रहे हैं, कल्चर वैल्यूज का आखिर मेरी इसका रीजन सही है। तो ये मैसेज तो आप बिल्कुल काटिएगा मत, हर एक महिला माँ होती है, उनसे कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंड सिस्टर वाइफ दादी, हर चीज एक बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, जिससे आपको मोहब्बत करना है मोहब्बत कीजिए, जिससे आपका रिलेशन है उसके साथ जो नेचर ने बनाया है, ऊपर वाला ने बनाया है, बायोलॉजिकल 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनाया है, वो कीजिए, लेकिन उसको कचड़ाई तो मत करो। कचड़ाई मतलब अपने भाषा में बोला हूँ, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। तो एग्जैक्टली सोसाइटिकल जो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है, रीजन से है, इस बात को आप समझिए। जब तक ये नहीं सुधरेगा ना, मुझे नहीं तक कुछ सुधर सकता। विक्रम ब्रो, आपने जो लास्ट मैसेज ऑडियंस के बीच में दिया ना, वो काफ़ी उसमें काफ़ी वैल्यूज है। अगर ये मैसेज राइट ऑडियंस तक पहुंचता है तो ये सोसाइटी के लिए काफ़ी पॉजिटिव में इसका वो रिजल्ट होगा। विक्रम भाई, आप पापा सॉरी पे आए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपने काफ़ी फेयरलेसली आपने अपना ओपिनियन रखा सोसाइटी के इश्यूज, और जो अभी यूथ फेस कर रहे हैं उनके इश्यूज का आपने काफी फियरलेसली उठाया, मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू बोलना चाहूंगा ब्रदर। आपका भी दिल की गहराइयों से आभार, की जो मेरे अंदर बहुत सारी चीजें थी कि कोई सुने कहीं जाए मैसेज, दिल से आभार, क्योंकि देखिए हम सब एक मनुष्य ऐसे प्राणी हैं जो 5 तत्वों से मिलके बने हैं, सभी को लगता है कि जो जीवन मिला है उसको कुछ अच्छा कर जाए, लेकिन लोग डायरेक्शन लेस होते हैं, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सिस्टम में जाएं, आईएएस बने, पीसीएस निकालें, इस पोस्ट पर जाएं, मंत्रालय में जाएं और हम ये बदलाव लाएं, लॉ मेकिंग का पार्ट्स बने, लॉ में इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट्स बने, बट अनफॉर्चुनेटली जो डिजर्विंग होते हैं कई बार उनको मिल नहीं पाता है। लेकिन मैं एक मैसेज देता हूं आपके चैनल पर कि अंतिम सांस तक, जब तक ये सांसें चल रही है तब तक ईमानदारी से सच्चाई, अपनी जान की बाजी लगाकर गर्दन पर तलवार रखकर सच्चाई के लिए लड़ूंगा, इस देश के युवाओं के लिए लड़ूंगा जब तक सांसें हैं, और सच्चाई के साथ लड़ूंगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर फॉर बीइंग सो फियरलेस ब्रदर, थैंक यू।